हाई एवरी वन गुड इवनिंग वेलकम टू एन अकेडमी कैसे सब बच्चे सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एक बार मुझे बता दीजिए क्या मैं दिखाई दे रही हूँ सुनाई दे रही हूँ यस yes, दिखाई तो दे ही रही हूँ सुन रहा है सबको गुड इवनिंग बच्चों कैसे है सब यस <laughs> yes. ओके चलिए सो वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आज का सेशन बहुत खास है बहुत सारे रीजन है इसके खास होने के पहला सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज दिवाली है ठीक है सो सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी 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 दिवाली टू ऑल ऑफ यू टू योर फैमिली मे दिस दिवाली ब्रिंग्स द ब्राइटेस्ट लाइट इन योर फैमिली एंड इन योर लाइफ कैसे आएगी मुझे लगता है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ब्राइट लाइट अगर आप चाहें भगवान से एक चीज जो मांगते हैं आप लोग भी और हम लोग भी एक चीज जो बेटा पूरा साल मांगी जाती है भगवान से अगर कोई नीट एस्पिरेंट है तो भगवान जी प्लीज मेरा सिलेक्शन करा देना आप जिसको भी मानते हैं जो भी सुपर पावर में बिलीव करते हैं आप एक चीज जरूर मांगते होंगे तो आई रियली विश कि ये दिवाली आपकी उसी एक डिजायर पर डिमांड पर विश पर लाइट डाले एंड वही चीज आपको अगले साल मिले आज बहुत अमेजिंग चीज मैंने आपके साथ शेयर की थी टेलीग्राम पे भी इंस्टाग्राम पे भी जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं कि नो no डाउट आज सबके लिए दिवाली है आपके लिए, है आपके लिए भी है आपके परिवार के लिए भी है लेकिन सबसे बड़ी दिवाली कब होगी जब हम अपने ड्रीम कॉलेज में होंगे देखो खुशियां दिवाली इज अ फेस्टिवल जिसमें बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं एंड यू you नो know, ये उम्मीद की जाती है कि पूरा साल हम पर ये कृपा बनी रहेगी तो आई रियली विश दिल से बेटा मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और सच्चे मन से कर रहे हैं ऑनेस्टी से कर रहे हैं वो सारे बच्चों की, नेक्स्ट दिवाली, एक की तरह बीते वो सारे बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में अगले साल हो उनमें से एक भी बच्चा मुझे यहाँ पर दोबारा अगले साल दिवाली पे देखता हुआ ना पाया जाए बिल्कुल मैं नहीं चाहती कि अगले साल भी तुम दिवाली वाले दिन आओ और क्लास लगाओ इस साल पूरा हार्डशिप कर लो पूरा स्ट्रगल कर लो पूरी मेहनत कर लो कि अगले साल सच में हम अपने ड्रीम को जिए मेरी भी ये इच्छा है तुम्हारी भी ये इच्छा है लेकिन इस इच्छा के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है वन ऑफ द कुर्बानी यू आर गिविंग इट टूडे आज दिवाली आज बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मिठाई खा रहे हैं विशेष दे रहे हैं गिफ्ट देने जा रहे हैं गिफ्ट ले रहे हैं बहुत सारी चीजें हो रही है गलत कुछ नहीं है बेटा गलत कुछ नहीं है सही चीज आपको खुद से चूज करनी है कि मेरे लिए समय कितना क्रूशियल है मैं आपके समय को बहुत अच्छे बाखूबी से सम, समझती हूं इसीलिए इसीलिए बेटा आज के दिन भी आपकी क्लास हो रही है यहाँ पर है ना परिवार सबका है फैमिली सबकी है खुशी सबके साथ है लेकिन आई रियली विश कि हम असली दिवाली आपके मेडिकल कॉलेज में बिताएं असली दिवाली आप अगले साल रियल में सेलिब्रेट कर रहे हो एंड आपकी जो भी इच्छा है इस साल वो पूरी हो जाए चलिए बेटा तो दिवाली वाले दिन आज खास क्या करने वाले आज तो बड़ा प्रैक्टिकल क्लास था आज कोई थ्योरी क्लास है ही नहीं टुडे <laughs> इज अ तो प्रैक्टिकल क्लास प्रैक्टिकल क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं कि हमारे पास कितनी हड्डी है उस हड्डियों के क्या नाम है स्केलेटन प्रेजेंट है इंटरेस्टिंग वेरी सिंपल दैट इज स्केलेटन सिस्टम ठीक है ये स्केलेटल सिस्टम हम, so, हम ऐसे नहीं देखते हैं हम कैसे देखते हैं थ्री में देखते हैं तो दिए जल, जल जल गए अरे वाह दिए वाली इमोजी भी आती थी मुझे भी नहीं पता था चलो बेटा एक बारी फटाफट से सेशन को कर दो लाइक आ गए सब बच्चे फटाफट से सेशन को लाइक कर दो सो दैट वी कैन स्टार्ट ठीक है सब बच्चों के बस का नहीं है बेटा आज क्लास लगाना क्लास लेना भी और क्लास लगाना भी सबके बस का है नहीं है ना तो आपको सारे बच्चे आज दिखेंगे भी नहीं बिकॉज मेनी ऑफ देम फील कि फेस्टिवल थोड़ा दोबारा आता है साल में एक दिन तो दिवाली आती है बेटा साल में एक ही बारी फिफ्थ में आएगा साल में याद रखना अगर एक बारी दिवाली आती है तो एक ही बारी फिफ्थ में आएगा और उस दिन तुम्हारे अगले पचास साल साठ साल कैसे बीतेंगे उसकी किस्मत लिख जाएगी तो साल में एक बारी दिवाली अनडाउटेडली आती है लेकिन साल में एग्जाम भी आपका एक ही बारी होता है लाइफ में बहुत कम टर्निंग पॉइंट्स होते हैं बेटा एंड जो पूरा मतलब लाइफ ना टर्न हो जाती है अगर कोई आदमी फॉर एग्जांपल बीएससी कर रहा है तो उसकी लाइफ एक अलग तरीके से बीतेगी कोई एमबीबीएस कर रहा है उसकी लाइफ बिल्कुल एक अलग तरीके से होगी लेकिन आप क्या कौन सी डिग्री परस्यू करने वाले हैं वो सिर्फ एक एग्जाम एक डिसाइड कर रहा है इस समय इंपॉर्टेंस तो देनी पड़ेगी जो बच्चों को लग रहा है कि मैम दिवाली तो एक बार ही आती है चलो पटाखे चलाते हैं सेलिब्रेट करते हैं बेटा एग्जाम भी देख भरी आएगा नाउ इट्स योर चॉइस मैंने अपनी चॉइस से चूज की है कि यार आज के दिन हम डेफिनेटली क्लास लेंगे अभी आपकी चॉइस है कि आपको इसको लगाना है नहीं लगाना है या फिर मनाना है यस yes, मेरे बच्चों ठीक है ना 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 गलत रोशनी असली दिवाली फिफ्थ में को नहीं होगी ना असली दिवाली आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे ना अगले साल तब होगी कभी भी जश्न रिजल्ट से पहले मनाना नहीं चाहिए अच्छा नहीं माना जाता तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है जब तक पहुंच नहीं जाते ना मेडिकल कॉलेज में उससे पहले जश्न उससे पहले दिवाली नहीं मनानी चाहिए तो अभी समय है तैयारी करिए फिफ्थ मे को आने दीजिए फिफ्थ मे के लिए जी जान लगा दो आपको नहीं पता चलना चाहिए कि आज दिवाली थी कितने बच्चों ने आज पढ़ाई की बता ना कितने बच्चों ने सब तो करते भी नहीं है कितने बच्चों ने पढ़ाई की जिसने करी वो सीरियस है जिसने नहीं करी ठीक है बेटा आज ये है कल कोई और होगा कल होली भी आएगी लोहड़ी भी आएगी न्यू ईयर भी आएगा क्रिसमस भी आएगा सब आएगा है ना सब सेलिब्रेट करने भी चाहिए सब नहीं कर पाएंगे यही मैंने आपको बोला है सब नहीं कर पाएंगे तभी तो सबका सिलेक्शन नहीं होगा यार तभी तो सबका सिलेक्शन नहीं होगा एक लाख बच्चा सिर्फ चाहिए ओनली वन लाख और वो इस समय लगा हुआ है ये मैं आपको बता रही हूं पूरी इतनी बड़ी जनता में तेईस लाख में से एक लाख बच्चा लगा हुआ है अब आप देख लो नहीं लगे हुए हो तो वो तुमसे आगे निकल रहे हैं लग जाओगे तो शायद उस भीड़ का हिस्सा बनने की चांसेस बन यस yes, मेरे बच्चों ठीक है तो शुरू करें आज का सेशन यस यस लाइट आ गई है ओके लेट अस स्टार्ट विथ टुडे सेशन एंड आज जैसे कि मैंने आपको बताया आज एक तरीके से आपका प्रैक्टिकल का सेशन है आज ज्यादा कुछ है नहीं ठीक है आज जस्ट हमने नाम याद करने हैं ये देखो ये मेरा नाम लगा हुआ है मैंने बताया था ना एक बच्चे ने मुझे बना के गिफ्ट दिया था इट इज रिमूव इट बैज है मेरे नाम का यस लेट अस स्टार्ट हां जी दिख रहा है हाँ हाँ देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे मैम थ्री में देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे या आपके सामने पूरा थ्री आ चुका है ठीक है तो इसी तरीके से हम पूरा स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे आज आज आप मेरे साथ इसको लर्न करके जाएंगे और पहचान के जाएंगे टच करके जाएंगे आप किस चीज को फील कर रहे हैं एवरीथिंग यू विल फील टुडे क्योंकि आज ये सिस्टम इसको हिडिम्बा बोलते थे मेरे पुराने बच्चे पिछले साल वाले अब तुम तो इसको कुछ भी नाम देना चाहो वो नाम तुम यहाँ पर दे सकते हो तो सबसे पहले बात करते बेटा आज मैं समझाऊंगी ज्यादा तो फोकस करना है मेरी आवाज पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे डू नॉट वरी अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी क्या क्या बोन के नाम है कितना नंबर है सब कुछ

ऐसी लर्निंग हो जाती है कि तब आप बोन को टच करके आंखें बंद करके पहचान लेंगे कि ये कौन सी बोन है ये समय आएगा बाद में स्कूल में भी स्केल्टल सिस्टम था हमारे कॉलेज में भी बेटा स्केल्टल सिस्टम था बट अब जमाना थोड़ा एडवांस हो गया है जिसमें हम यहाँ पर एक्चुअल में देखने वाले हैं थ्री फॉर्म में तो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं स्केल्टल सिस्टम देखिए दो चीजें बनाती है आपका स्केलेटल सिस्टम पहली चीज आती है बोन्स दूसरी चीज आती है कार्टिलेज बोन आप समझते हैं द हार्ड पार्ट विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सोल्ट फॉस्फेट सोल्ट इसको हम लोग हड्डी सिंपल भाषा में हड्डी इसको हम क्या बोलते हैं बोन ये हार्डेस्ट बॉडी है इसके साथ एक और टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जैसे अपना कान ये मोड़ दिया फिर नाक को मैंने दबा दिया दिस इज ऑल कार्टिलेज ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं हमारे पास कितनी बोन्स है अगर कोई पूछे तुम्हारे पास इन इन एन एडल्ट ह्यूमन बींग हाउ मेनी बोन्स आर देयर बहुत सारी मूवीज में भी आपने सुना हुआ टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, है टोटल यहाँ पे प्रूव भी करके दिखा दूंगी हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स वी हैव हैव वी टोटल बोन्स ठीक है कहां, कहां पर है दो टाइप के स्केलेटल सिस्टम में डिवाइडेड है पहले तो बेटा जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ <coughs> हाँ जी तो सबसे पहले हम लोग बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं क्या करते हैं बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं अच्छा स्टार्ट करने से पहले बेटा क्लास ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है आपको पता है अब फोकस प्रैक्टिस पे साइमल्टेनियसली रहेगा पहले हम मोस्टली थ्योरी 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 कर रहे थे अब थ्योरी थ्योरी विद विद प्रैक्टिस प्रैक्टिस चलेगा तो प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी मैंने इसका लॉन्च करके यहाँ पर पिन करा दिया है इस क्लास में एनरोल कर लेना बिल्कुल फ्री क्लास है थर्टींथ को होगी कल नहीं है संडे है परसों शाम को छह बजे लोको का पूरे का टेस्ट है कल आपका प्रिपरेशन का डे आप इसको प्रिपेयर करके आएंगे चलिए बेटा अब आपने से एक बच्चे की बॉडी पर बना कहेंगे मैम हमारी तो बॉडी बहुत अच्छी है आपने क्या बना दिया? कोई बात नहीं बेटा मजाक में बनाएंगे। येस. तो ये बंदा है, ठीक, तो ये कोई ऑर्गेनिज्म है मैम हमारे दुश्मन की बॉडी भी ऐसे ना बने तो मैंने बोला कि डिवाइड करूंगी कितने जो कि आपकी सेंट्रल एक्सिस में आ रहा है दिख रहा है सेंट्रल एक्सिस में ये देखो ये आ रहा है ये सारा जो फेस पे स्कल पे ये आ रहा है ये आ रहा है ये आ रहा है ये देखिए दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्ल स्केलेटल मतलब जो जो बोन्स मुझे अपनी खोपड़ी में दिखेंगी मुझे मेरे फेस में दिखेंगी मुझे मेरी फ्रंट पार्ट यानी कि वेंट्रल पार्ट में दिखेंगी मुझे मेरे बैक यानी कि डॉर्सल पार्ट में दिखेंगी इस सारे को हम लोग क्या बोल देंगे एक्सियल स्केलेटन बोल देंगे क्या बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन अब आती है अपेंडिजेस ये आपकी अपेंडिज आपकी आर्म्स हो गई आपकी लेग्स हो गई तो जो बोन्स आपको यहां आपके शोल्डर में दिखेंगी फिर आपकी आर्म्स में दिखेंगी फिर आपके हिप्स में दिखेंगी एंड फिर आपकी लेग्स में दिखेंगी ये वाला स्केलेटल सिस्टम किस में आ जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएगा तो मैंने बोला कि मैंने आपके स्केलेटल

स्केलेटन क्या बोल देंगे बेटा जी इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन अगर मैं बात करूं न, 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 कहां गया हम लिख लेते हैं यस अब एक्सल स्केलेटन में क्या-क्या आता है टोटल मिला के बेटा कितनी बोन्स बनानी है मुझे टोटल मिला के 206 बोन्स बनानी है तो देख ले अब इस 206 में से टोटल 80 बोन्स किसका हिस्सा बनाती है एक्सल स्केलेटन का बचा कितना टू दो सौ छह में से अस्सी निकाल दो कितनी बचेंगी वन ट्वेंटी सिक्स बच जाएंगी वन ट्वेंटी सिक्स पोन्स किसका हिस्सा बनाएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन का अभी मैं जस्ट नाम लिखवा रही हूं इसके बाद हर एक पार्ट को हम डिटेल में थ्री डी में देखेंगे सो डू नॉट वरी एवरी पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल में क्या -क्या आता है। टोटल होती है एट बोन्स प्लस आपकी फेस में होती है चौदह यानी कि एट प्लस फोर्टीन टोटल मिल जाएंगे आपकी ट्वेंटी टू बोन्स कितनी ट्वेंटी टू बोन्स हांजी और क्या आ जाएगा बेटा इसमें बॉडी ब्रल कॉलम पीछे के साइड पे आपकी डॉर्सल साइड पे क्या आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम फ्रंट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल में बोन इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एस टर्नम जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं और क्या प्रेजेंट है बेटा जी इसमें रिब्स प्रेजेंट है ठीक है और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर एक हाइड बोन प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है वैसे इन दोनों को अ पार्ट ऑफ स्कल भी कंसिडर किया जा सकता है ठीक है तो, पार्ट ऑफ स्कल तो टोटल आपकी ट्वेंटी एट बन दूंगी क्योंकि कान तीन तीन और एक आपकी हाइट सेवन और ट्वेंटी तो yes? में आ रहा है देन आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो चीजें हम लिखेंगे पहले हम लिखेंगे गर्डल्स गर्डल्स मतलब आपके शोल्डर गर्डल एंड हिप गर्डल्स एंड दूसरा बेटा आपके आ जाएंगे लिम्स कितनी बोन्स किसमें है वोटिब्रल कॉलम में कितनी है स्टर्नम कितनी है एक है दो है पचास है ये सब चीजें धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से एंड द फर्स्ट पार्ट इज नन अदर देन द खोपड़ी विच इज कॉल्ड एज क्रेनियम आर यू रेडी टू डिस्कस क्रेनियम बेटा यस फटाफट से बता दो आर यू रेडी टू डिस्कस क्रेनियम वन बाय वन मैं सबको इंक्लूड करूंगी हां जी मेरे बच्चों शुरू करें क्रेनियम से तो क्रेनियम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रेन बॉक्स पहले समझ लो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम परसों होने वाला है यानी कि मंडे को ब्रेन भी आ जाएगा और ब्रेन की खोपड़ी भी आ जाएगी ये जो ब्रेन की कवरिंग है नेचुरल हेलमेट ऑफ आवर बॉडी ऑफ आवर ब्रेन दिस इज कॉल्ड एज क्रेनियम इस क्रेनियम में टोटल कितनी बोन्स है आठ जिस आठ में से दो पेयर्ड है और बाकी क्या है अनपेयर्ड है नाम क्या है इनका पेराइटल टेम्पोरल फ्रंटल ऑक्सीपिटल फिनॉइड एंड एथमॉइड अब मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ हर बच्चा अपने हाथ को उठाएगा लेफ्ट हैंड को उठा लीजिए यस लेफ्ट हैंड को उठा लीजिए सब बच्चे क्रेनियम करने के लिए रेडी हो गए हैं इसका भी निकाल लिया हमने लेफ्ट हैंड उठा लिया चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्रेनियम की बोन्स कर रहे हैं टोटली totally कितनी है एट याद रखना है सबसे पहले सारे बच्चे अपना हाथ अपने माथे पे रखेंगे ये yes, अपने माथे पे रखेंगे यहां पर देखिए कलर चेंज हो रहा है जो जो मैं दिखाती जा रही हूं उसका कलर चेंज हो रहा है टच योर दिस पोर्शन है ना दिस इज द फर्स्ट बोन तो हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके माथे पे है फ्रंट है दिस इज कॉल्ड एज द बोन प्रेजेंट इन योर फोर हेड फोर हेड बोलते हैं ना इसका नाम है फ्रंटल क्या है ये फ्रंटल याद हो गया है ना ये वाली बोन कौन सी है आपकी फ्रंटल सो so ये सबको पता चल गया फ्रंटल देन बेटा अपना हाथ थोड़ा पीछे लेके जाओ यहां पर दिस वन इसकी खोपड़ी ऊपर करते हैं फिर तुम्हें पता चलेगा यस लेट मी पुट इट लाइक दिस दिस वन ये दिख रहा है दिस वन सब बच्चे टच करेंगे ये सारा आपका फ्रंटल है जहां पर मांग भरते हैं सब क्या है फ्रंटल है टीका लगाते हैं फ्रंट पे लगाते हैं टी हम चंदन लगाते हैं सब क्या है फ्रंटल देन बेटा जी ये जो दो बोन्स हैं ये कौन सी रहेंगी आपकी पेराइटल दिख रही है ये कौन सी बोन्स है आपकी पेराइटल तो फ्रंटल मेरे पास कितनी थी एक ही थी ये देखो एक ही थी जब मैंने ऐसे करके देखा तो ये क्या देखी मुझे पेराइटल देखी तो दो पेराइटल हो गई अब जरा अपने कान के पास आ जाओ कान के पास ये रोटेट किया दिख रहा है यस कम ऑन हैव अ लुक Yes. दिख रहा है हां जी कान के पीछे जस्ट आप इस पर्सन के कान के पीछे देखें यहां पर जो बोन है लुक ओवर हेयर दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोरल टेम्पो वर्ड कहीं भी आ जाए दैट इज रिलेटेड टू योर ईयर ओनली ठीक है ये किससे रिलेटेड है Ear. तो एक फ्रंटल हो गई दो parietal हो गई दो अपनी क्या हो गई Temporal हो गई ये इस साइड भी है अगर मैं इसकी दूसरी साइड पे देखूंगी लेफ्ट साइड पे तो वहां भी प्रेजेंट है हां जी वहां पर भी प्रेजेंट है ये रही इस साइड की देखेंगे तो ये वाली आपकी टेम्पोरल ठीक अब चलते हैं बैक बैक साइड पे पे सब बच्चे पे टच करें बैक पे टच करें ये रहा दिस इज़ सिंगल बोन इसका नाम क्या है ऑक्सीपिटल ये जो बैक पे आपको दिखाई दे रही है ये क्या है आपकी ऑक्सीपिटल तो याद हो गया वन फ्रंटल वन ऑक्सीपिटल टू पेराइटल एंड टू टेम्पोरल बोन ठीक है अब ऑक्सीपिटल के नीचे जरा देखो ऑक्सीपिटल के नीचे जरा देखिए दो ना घंटी टाइप स्ट्रक्चर निकलते हैं यस इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्डाइल्स क्या बोलते हैं कॉन्डाइल्स एक मिनट कान भी मैंने उड़ा दिए सारा कनेक्टिव टिश्यू उड़ा दिया यस न यू सी दिस आपकी ऑक्सीपिटल थी ये ऑक्सीपिटल के पास दो छोटे छोटे कॉन्डाइल्स है लोक ये व्हाइट से कलर के दिख रहे हैं है ना अब हमारी स्कल के पास ऐसे दो कॉन्डाइल्स होते हैं, घंटी की तरह एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इनको हम लोग बोलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स Since हमारे पास दो तो हैं, इसीलिए हमारी स्कल क्या है डायकॉन डाइलिक क्या है डायकॉन और स्क की होती है बाकी सबकी क्या होती है मोनोकॉन्डाइलिक तो हो दो ये आपको व्हाइट वाले दिखाई दे रहे हैं दैट इज वाई अवर स्कल इज डायकॉन्ट स्कल ठीक है जी यस अब बीच में ये छेद भी तो दिखाई दे रहे कैन यू सी द छेद ये देखिए ये सेंटर में आपको एक अपर्चर दिखाई दे रहा है है ना एक अपर्चर दिख रहा है सबको यस ज फोरामैन मैग्नम क्या बोलोगे इसको फोरामैन मैग्नम इस फोरामैन मैग्नम के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड निकल के आएगी अब स्पाइनल कॉर्ड दिख नहीं रही क्योंकि वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है हम स्केलेटल कर रहे हैं बट ये जो है आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है फोरामैन मैग्नम इसके साइड पे दो कॉन्डाइल और इसी के अंदर से कौन निकलेगी स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी अब मैम इन दो कॉन्डाइल्स का काम क्या है क्यों लगे हुए हैं इनके पास बेटा जी फैसेट्स है आर्टिकुलर चिपकने वाले फैसेट्स हैं जो कि मेरे फर्स्ट वोटिब्रा फर्स्ट वन यानी कि सी वन के साथ जाकर जुड़ेंगे ये मेरा सारा वोटिब्रल कॉलम है वोटिब्रल कॉलम में पहला वोटिब्रा मैंने उड़ा दिया बट द सी वन विल एक्चुअली ज्वाइन विद कॉन्डाइल्स क्योंकि इनके पास आर्टिकुलर फैसेट्स है उसी के लिए ठीक है जी चलिए तो ये बात हो गई मेरे ऑक्सीपिटल की ऑक्सीपिटल में फॉरम एंड मैग्नम भी हमने कर लिया है एंड टेम्पोरल देख ली है पेराइटल देख ली है अब थोड़ा अंदर चलते हैं अंदर की तरफ चलते हैं यस yes. दिख रहा है अंदर कैसे दिखाए मैं थोड़ा डाइसेक्ट कर रही हूं बेटा डाइसेक्ट कर दू parital उड़ा फ्रंटल उड़ा रही हूँ फ्रंटल उड़ा रही हूं ताकि आपको अंदर दिखाई दे ओके कैन यू सी ये बैट की तरह दिखती हुई बोन ये दिख रहा है बटरफ्लाई टाइप बोन फ्रंटल उड़ा दिया मैंने यस yes, एक मिनट दिस वन जो ब्लैक हो जा रहा है ना बेटा उसी बोन के बारे में बात कर रही हूं मैं दिस वन मैं बारी बारी कलर चेंज कर रही हूं सो दैट आपको पता चले कि क्या है दिस इज अनदर क्रेनियल बोन जिसका नाम है स्फिनॉइड क्या बोलते हैं इसको स्फिनॉइड

यस yes, और एक और बोन होती है जिसका नाम है एथमॉइड यस जस्ट ये वाली ये दिख रही है नाक के ऊपर दिस वन दिस इज कॉल्ड एज एथमॉइड बोन तो हो गई आपकी आठ की आठ बोन्स हो गई है फटाफट से मेरे को रिकॉल करा दो फटाफट से रिकॉल करा दो एक फ्रंटल दो पेराइटल दो टेम्पोरल

डिस्क okay? yes? तो सारी सारी कर लिए एक बार इसको जो रिटर्न पोर्शन है रिव्यू कर लेते हैं हमारा जो क्रेनियम है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा जिस चीज को अच्छा लग रहा है समझ आ रहा है बेटा सेशन को लाइक किया कि नहीं किया पहले बताओ सेशन को लाइक किया कि नहीं किया अमेजिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग होने वाली इट इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग इट इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग पार्ट हां जी तो यही हमने लिखा था दो पेराइटल है दो टेम्पोरल है ये दो ही अपने पास पेयर्ड है बाकी तो क्या है अनपेयर्ड है फ्रंटल ऑक्सीपिटल स्पिनॉइड एथमॉइड ये क्या है सिंगल सिंगल कॉपी है यस ऑक्सीपिटल के बारे में खास बात क्या बताई कि इसके पास एक छेद है इस छेद का नाम है स्पोराम मैगन इसमें से कौन निकलता है स्पाइनल कॉर्ड ठीक है फिर मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर ऐसे दो घंटी की तरह स्ट्रक्चर बने हो जिनको हम लोग बोलते हैं कॉन्डायल इसीलिए हमारी स्कल क्या है डायकॉन्डायलिक किन पास डायकॉन्डायलिक स्कल है And and frog आ रहा है frog है अगर frog के बारे में कोई बात हो रही है तो वो यहां भी आपको लिए उतनी रेलिवेंट है जितनी उस चैप्टर में रेलिवेंट है तो फ्रॉग आ गया ना यहाँ पर एम्फीबियन आ गए उसके पास भी क्या है डायकॉन स्कल है फिर बेटा जी स्फिनॉइड के बारे में क्या खास बात है फिनॉइड के पास ऐसा एक

That is sphenoid. Sphenoid का कोई दुश्मन नहीं है सारी बोन से अपना हाथ मिलाकर चलती है इट आर्टिकुलेट्स विद ऑल द अदर बोन्स क्या आपको इसके आर्टिक्स की कोई जरूरत है बताओ मेरे बच्चों क्या इसके निमोनिक की कोई जरूरत है मुझे नहीं लगता बेटा इसका आपको कोई भी निमोनिक चाहिए क्यों क्योंकि ये तो ऐसे ही याद हो जाता है अब आपने देख भी लिया बट फिर भी अगर आपको याद करना है इट इज फास्ट पाथ टू सक्सेस इज एजुकेशन खैर कोई फास्ट पाथ होता नहीं है बट स्टिल बना हुआ है फास्ट पाथ टू सक्सेस इज एजुकेशन एफ फॉर फ्रंटल टी फॉर पेराइटल टी फॉर ओ फॉर 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 ऑक्सीपिटल एस ई टेम्पोरलॉइड वैसे जरूरत है नहीं सब बच्चे मेरे साथ साथ बोलो ये लो आ जाओ फटाफट से आ जाइए हाथ रखिए हाथ रख के बोल दीजिए फटाफट से फ्रंटल एक पेराइटल दो टेम्पोरल दो ऑक्सीपिटल एक ठीक है ये तो हम टच कर पा रहे हैं जो टच नहीं कर पा रहे नाक के ऊपर जो ऐसे बैठी है एथमॉइड एक और बीच में जो बटरफ्लाई की तरह की स्टोन क्रेनियल बोन है bone, sphenoid, it with अगले हिस्से पे ठीक है अब मेरे बच्चे चलते हैं हम लोग अगले हिस्से पे स्कल का दूसरा हिस्सा स्कल का दूसरा हिस्सा है आपका फेस ठीक है फेस पे आ गई हूं मैं रुकिए अब ठीक है Just a second. अच्छा तब तक आप ये बताएं क्या आपने एनरोल कर लिया क्या एनरोल कर लिया अब आप आपके सुंदर से फेस के बारे में बात हो रही है अब अपने फेस को टच करने के लिए रेडी हो जाओ एनरोल कर लिया इस क्लास में कि नहीं किया हां जी एनरोल कर लिया इस क्लास में कर लो टेस्ट है इंपॉर्टेंट है सबको देना है चलो आ जाओ टू द फेशियल रीजन हाँ जी फेस फेस पे आ जाए आ जाओ मेरे बच्चों तो ये तो फ्रंटल था ये तो हमारा हो गया अब फेस के बारे में बात करते हैं आपके फेस के पास कितनी बोन्स है क्रेनियम के पास तो पता चल गया आठ फेस के पास अगर मैं बात करूं तो टोटल यू हैव गॉट फोर्टीन बोन्स ऑन योर फेस फेशियल बोन्स जिनको बोलते हैं सुंदर सा आपका फेस बनता है लेकिन बेटा बाहर से कुछ भी हो कैसा रंग हो कुछ हो दाने हैं नहीं है एवरीथिंग एटलीस्ट लास्ट में आ जाती है इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल तो यार सबका ही सेम है, है ना बाहर से कोई चाहे ऐश्वर्या राय दिखे चाहे कोई कटरीना कैफ दिखे अंदर तो सबके यही चौदह बोन्स लगी होंगी चलिए तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले आ जाते हैं जहां पर आप चश्मा टिकाते हैं हां जी चश्मा सब यहाँ टिकाते हैं यस इस जगह पर बहुत बच्चों ने चश्मा टिकाया भी हुआ है यहाँ पर बहुत बच्चों ने चश्मा टिकाया भी हुआ है

ये तो वोमर आ गई यस इंफ्रानेजल कैन यू सी दिस ये देखिए <coughs> दो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट हां जी दो बताइए अब तक पहले मैंने बताई नेजल ये आपकी कौन सी थी नेजल और ये दो कौन सी चली गई है इंफ्रानेजल डन मेरे बच्चों इंफ्रानेजल अब चलते हैं आपके सुंदर से हिस्से पर That is, पर लड़कियां लगाती हैं ब्लशर कहाँ लगाती हैं वो लाल सा लेकर सबके पास होता है आपकी मम्मी भी लगाती होंगी आपकी सिस्टर भी लगाती होंगी अगर आप एक फीमेल है तो शायद आप भी लगाते होंगे कुछ बुरा नहीं है मेकअप करने में ब्लश लगाने में कुछ बुरी बात नहीं है लेकिन हम लगाते कहा है यहां चीक बोन्स यस कहां लगाते हैं चीक बोन्स इनको बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एज हां जी क्या बोलेंगे यस जहां लगाते हो बता दो फटाफट से दैट इज कॉल्ड एज एजगोमैटिक क्या बोलोगे इनको जयगोमैटिक यहां लगाते हो ना चीक बोन्स इधर तो नहीं लगाते नीचे नहीं लगाते यहां ऊपर लगाते हैं इस साइड पे सो दीज आर कॉल्ड एज एजगोमैटिक ये जो दिखाई दे रही है आपको ये देखिए दिस इज इजगोमैटिक ऑफ द राइट साइड दिस इज ऑफ द लेफ्ट साइड है ना यस ऑफ द लेफ्ट साइड अब जायगोमैटिक हो गई दो एम अब जरा देखिए जहां से इस आदमी के आंसू निकलेंगे देख रहे हैं जहां मेरा टीयर ग्लैंड है दिस इज कॉल्ड एज लेक्राइमल आईज आईस की साइड पे ये देखो ऐसे ये आईज के साइड पे ये एक साइड की हो गई ये दूसरी साइड की दिखाती हूँ दिस वन इज द लेक्राइमल कैन यू सी ये राइट साइड का लेक्राइमल लेक्राइमल है आगे लेफ्ट साइड का येस और नो मेरे को दिखते रहना चाहिए चार्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ है रिटर्न नोट्स आपको मिलेंगे आप उसकी टेंशन मत करें नोट करने की टेंशन मत लें सिर्फ समझने पर फोकस करें कि कल को जब आप एमबीबीएस में जाएं तो आप सीप मैम का नाम रोशन करें आप जाकर बोलें कि भाई ये सब तो हम थ्री में देख कर आए हैं और बहुत तसली से देख कर आए ठीक है नाम रोशन करोगे कि नहीं करोगे लेकिन नाम रोशन करने के लिए भी सुनना पड़ेगा है ना समझना पड़ेगा फील करना पड़ेगा आप एमबीबीएस में बहुत बच्चों से आगे होने चाहिए विल बी मेनी नीट एस्पिरेंट जो रट्टा मार के चले जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वहां पर लोकलाइजेशन का नहीं आ रहा है मैं सिर्फ आपको आज आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके क्यों करा रही हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर देन आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें अरे मजा आता होगा सुनने में बायो बायो से प्यार नहीं होगा तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे बॉडी से प्यार नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे बनेंगे है ना तो वहां पर ये सब चीजें आनी चाहिए सो so, ये वाली कौन सी हो जाएंगी आपकी लिक्राइमल. ये देखिए ये वाली कौन सी है आपकी लिक्राइमल. वो तो एथमॉइड है ये आपकी लिक्राइमल. तो अब तक हमने नेजल कर लिया इंट्रानेजल कर लिया जाइगोमैटिक कर लिया एंड लिक्राइमल कर लिया सारी क्या थी डबल 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 दो 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 ठीक है अब यहां पर इसको ध्यान दो ये ये एक अकेली बैठी है दिख रही है यस कैन यू सी मैं अभी कलर चेंज करती हूँ इसका बारी बारी यस दिस अलोन बोन जिसका कोई पार्टनर नहीं है दिस इज कॉल्ड एज वोमर क्या बोलेंगे इसको वोमर ठीक है याद रखना रूफ ऑफ बक्कल कैविटी बना रही सिंगल बोन है ठीक अब बात करते हैं ये द अपर जॉ दिस इज कॉल्ड एज मैग्ला ये राइट right साइड का लेफ्ट साइड का राइट right साइड का लेफ्ट साइड का ठीक है दिस इज कॉल्ड एज योर अपर जॉ हैंग हो गया अरे नहीं ठीक है अपर जॉप देते हैं मेरे बच्चों इसको मैंडबल बोलते हैं ठीक तो अपर जॉ के पास आर्टिकलेशन है ऊपर वाले दांतों के लिए लोअर जॉ के पास आर्टिकलेशन है नीचे वाले दांतों के लिए दाढ़ी बन गई काला हो गया तो मैम दाढ़ी बना दिया आपने इसकी ठीक है है ना चलो तो मैंडेबल हो गया zygomatic हो गया सारी हो गई मेरे ख्याल से सारी कर ली है कोई बची तो नहीं मेरे बच्चों सारी कर ली है yes. एक ही रह गई, पैलेटाइन ये बोमर दिखाई थे ना ये बोमर ये पीछे इसके पैलेटाइन कैन यू सी दिस वन इज पैलेटाइन यस दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ फेस ये जो आपको दिख रहा है ये देखिए मैं कलर चेंज कर रही हूं इसका बारी बारी

हम लोग मिल रहे हैं है ना तो दिवाली स्पेशल टेस्ट चलो आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट टू हैव टू बताना कौन सी बोन है कौन सी बोन है? <laughs> मैं बारी बारी दिखाती हूं ये देखिए जरूरी नहीं है कि फेशियल हो क्रेनियल भी हो सकती है ये दोनों मैंने करा दिए आपको बताओ बताओ फटाफट से बताओ कौन सी है वेरी गुड कुछ बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं एप्सोल्यूटली दिस इज स्प ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाली बोन बताइए कौन सी है जी सीधा कर देते हैं इसका मुंह ओके कम ऑन रिकॉग्नाइज ये वाली बोन कौन सी है लेट मी जस्ट चेंज कलर अगेन 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 हां जी करेक्ट आंसर दे सकते हो कौन दे रहा है आंसर यस वेरी गुड लक्ष्मी अभय है दिस वन इज वोमर कम ऑन आंसर दिस वन यस yes. ये कौन सी है हां जी जहां पर लड़कियां यस दिस वन इज कम ऑन कौन आंसर देगा वेरी गुड फास्टेस्ट दिया पलक ने वेरी गुड पलक दिस वन इजगो मैटिक एप्सोलूटलीयगो मैटिक और बताती हूं और पूछती हूं ये जरा आंखों पे आते हैं हां जी दिस वन कम ऑन गेस दिस वन ये इसका साइड फेस चल रहा है हम राइट साइड पे देख रहे हैं ये कौन सी बोन है साइकोमेटिक पहचान लिया तुमने यस वेरी गुड अब बी लेक्राइमल लेक्राइमल ग्लैंड टीयर ग्लैंड होते हैं तो आंखों के पास ऐसे कौन सी वाली होगी हमारी लेक्राइमल होगी कौन सी होगी लेक्राइमल ये तो मेरी एथोमोइड है इसको छोड़ दो है ना देन ये वाली मेरी कौन सी है इंफ्रानेजल देन अगर पीछे की साइड पे जाएंगे दिस इज गोइंग टू बी पैला

कैन बी मूव वी कैन नॉट मूव बेटा वी कैन मूव ओनली वन फेशल बोन एंड दैट इज द लोअर जॉ आपका सिर्फ लोअर जॉ ही मूव करता है बाकी सब तो स्टिल है सारी स्कल को भी अगर मैं ले लूंगी ना आपका सिर्फ एक ही चीज मूव कर सकता है दैट इज द लोअर जॉ ये जो लोअर जॉ है ना बेटा यही मूव कर सकता है आप खुद हाथ लगा के देख लो यही मूव कर रहा है बाकी सब स्टिल है ठीक है तो इस टाइप का हमारा क्या है जॉ सस्पेंसोरियम है जिसमें हमारा लोअर जॉ ही मूव करता है चलिए तो फटाफट से इसको देख लेते हैं इसका रिटर्न पोर्शन दिस इज द ओनली मूवेबल स्कल बोन नथिंग एल्स इज मूवेबल जी हां जी तो यही हमने पढ़ा फेशियल बोन्स मेरे पास कितने चौदह दो नेजल ये वाली दो इंफ्रानेजल इसके अंदर

रेडी टू सी दिस हाइड चलिए जी लेट मी शो यू यस ये देखो ओके okay. ये देखो ये टंग के नीचे एक बार मैं इनको ना रिमूव करती हूं लेट मी डाइसेक्ट सबको डाइसेक्ट कर दिया उड़ा दिए मैंने हां जी अभी देख रहे हो एक बोन लटक रही है कैन यू सी वन बारी बारी इसका कलर चेंज हो रहा है ब्लैक होती है व्हाइट होती है this bone, या फिर तुम इसको सी शेप्ड बोन यू बेटर है यू शेप्ड बोन दिस इज कॉल्ड एज हाइड बोन टंग जैसी दिखती है टंग के नीचे प्रेजेंट है इसीलिए इसको टंग बोन भी बोला जाता है क्या बोला जाता है बेटा इसको टंग बोन भी बोला जाता है इसकी खास बात क्या है इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन अगर तुम देखोगे ये चारों दिशा में किसी से भी नहीं जुड़ी हुई है ना ऊपर ना नीचे ना आगे ना पीछे इसका कोई आर्टिकुलेशन है ही नहीं है ना इसका फिर पॉइंट क्या है क्यों बैठी है यहाँ पर इट एक्चुअली प्रोवाइड्स एन इंसर्शन पॉइंट फॉर टंग मसल्स इसीलिए बेटा यहाँ पर बैठी है अदरवाइज इसका कोई दोस्त नहीं है जैसे क्रेनियल बोन्स जबकि हाइड का कोई दोस्त नहीं है इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन ठीक है तो ये मेरी बात होगी हाइड की इसके बाद आ जाते हैं हम कानों में ओके <coughs> okay. कान के लिए बेटा कान खोलना पड़ेगा रुकिए हाँ जी कान के अंदर जो मेरे पास बोन्स प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स क्या बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स सो लेट मी शो यू ईयर ऑसिकल्स रुकिए डिटेल में जाना पड़ेगा जस्ट अ सेकेंड दिखा रही हूं नाम जिसको पता है बता दे जिसको नाम पता है वो नाम बताएं कौन सी मेरे पास ईयर ऑसिकल्स हैं हाँ जी हम्म 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 गया ईयर हम्म हम्म गायब हो गया बेटा अभी देखा था अभी गायब हो गया अ सेकेंड अभी आएगा किस नाम बताएं हाँ जी पता चल गया <coughs> नाम is Malleus Incus and मुझे दिख नहीं रहा बेटा वो मैं ढूंढ के अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा तो मैं दिखा दूंगी हां जी तो खास बात इसके बारे में लिख लीजिए इट डज नॉट आर्टिकुलेट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन विद एनी अदर बोन किसी के साथ नहीं जुड़ती है ये टंग बोन भी कहलाती है क्या कहलाती है इसको हम लोग टंग बोन भी बोलते हैं तो ये बात किसकी हो गई है ये बात हो गई है मेरे हाइड बोन की ठीक है किसकी बात हो गई हाइड बोन की हाइड के बाद मैंने बताया ईयर ऑसिकल्स भी मौजूद हैं हमारे कान में मिडल ईयर में बेटा जी तीन बोन्स हैं पहली का नाम है मैलियस देन मेरे पास है इंकस एंड देन मेरे पास है स्टेप्स याद रखने वाली बात यह है कि स्टेप्स आपकी बॉडी की सबसे स्मोलेस्ट बोन है सबसे छोटी बोन यही है द बॉडी स्मॉलेस्ट बोन इज नॉन अदर देन स्टेप्स इन सब का जो शेप है वो काफी यूनिक है जो हम याद करेंगे मैलियस इनक स्टेप्स द मैलियस इज हैमर शेप्ड इट इज हैमर शेप्ड दिस इज एनिमल शेप्ड एंड दिस शेप्ड ठीक है इसको याद करने का तरीका क्या है मिस मिस

ये क्या बन गया आपका इसिकल चलिए सो विदम एक पार्ट हम कर चुके हैं अब इसका दूसरी चीज बेटा जो मैं आपको फोकस करना चाहती थी जरा आप अगर ध्यान देंगे तो स्कल बोन्स के बीच में जिगजैक दिखाई दे रहा है तुमको जिग्जैक जिग्जैक वट आर दीज दीज आर एक्चुअली ये देखो ऊपर भी दिख रहा है बैक साइड पर जाऊंगी ये दिख रहा है ना ऐसा लग रहा है किसी ने सिलाई की हो है ना सिलाई जैसे करते हैं ये है आपकी स्कल बोन्स के बीच के जॉइंट्स तीस आर इमूवेबल जॉइंट्स आर फाइब्रस जॉइंट्स इनको हम लोग बोलते हैं सूचर्स क्या बोलते हैं बेटा जी इसको सूचर्स क्या इमूव हो सकते हैं नहीं ये जॉइंट्स हैं लेकिन इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट्स हैं क्या बोलोगे सूचर्स बोलोगे सो विद दिस वी आर डन विद द स्कल पार्ट नेक्स्ट मूव करते हैं हम अनदर पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज व्हिच इज कॉल्ड एज हाँ जी इसको हम लोग बोलेंगे <coughs> वोटिब्रल कॉलम हम्म 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 जस्ट शोइंग ब्यूटीफुल तरीके से दिखाऊंगी कलर्ड फॉर्म में Yes, get गेट रेडी फॉर द column. कॉलम okay, ओके attention. अपनी बैक साइड पे आ जाओ बैक साइड को क्या बोलोगे Dorsal बोलोगे वेंट्रल बोलोगे हाँ जी बैक साइड को क्या बोलोगे डॉर्सल बोलोगे वेंट्रल बोलोगे ऑब्वियसली बात है पीछे की साइड आपको सिखाई हुई है दिस इज अ डॉर्सल साइड आगे की साइड बेटा जी आपको सिखाई हुई है दिस इज कॉल्ड एज अ वेंट्रल साइड मैं देख रही हूँ बेटा मजे सबको आ रहे हैं नॉलेज सब गेन कर रहे हैं समझ रहे हैं बॉडी को लेकिन कोई लाइक नहीं कर रहा सेशन को तो फटाफट -पड़ से लाइक कर लो और आज के सेशन में सच में कुछ सीखा है दिवाली को स्पेशल बनाया है तो इसको कमेंट जरूर करके जाना ठीक है तो वर्टिब्रल कॉलम की अगर मैं बात करूं ये पीछे की साइड बैक बोन जिसको हम बोलते हैं इट इज मेड अप ऑफ छोटी छोटी बोन्स एंड दीज छोटी छोटी बोन्स आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेक क्या बोलेंगे इसको वर्टीब्रेक बोन का नाम है वटिब्रे जब ये वर्टिब्रे ऐसे पूरे लाइन में अरेंज हो जाएंगे इसको हम बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम क्या बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम अब यहां पर जैसे एक बोन में आपको यहां पर फोकस करती हूं ये ये एक वर्टिब्रा है ये दूसरा वर्टिब्रा है ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा इस तरीके से बेटा आपके बहुत सारे वर्टिब्रे है। हैं हमारे पास टोटल वी हैव फॉर्म्स कॉलम ऑफ एडल्ट हमारे पास टोटल कितने हैं छब्बीस वर्टिब्रे हैं जो पूरा का पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं इन वर्टिब्रे को हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स जो नेक वाले पार्ट में वर्टिब्रे हैं इनको बोला जाता है सर्वाइकल टोटल कितने हैं सर्वाइकल सात जैसे सी वन है ना एटलस C2, C3, C4, C5, C6, C7. सी सेवन कैन यू सी सात तक समझ गए बेटा ये सेवेंथ है और ये आपका वन है ये सेवन है ये वन है यस और नो बताते जाना यस और नो सेवन हमारे पास सी सेवन तो पहला जो वटिब्राह है जिसको हमने स्पेशल नाम दिया है दिस इज कॉल्ड एज एटलस सी वन इज कॉल्ड एज एटलस C1 वन इज कॉल्ड एज एटलस अगर तुम एटलस को बहुत ध्यान से देखोगे ये देखो एटलस के पास क्या प्रेजेंट है आर्टिकुलर सरफेस है किससे जुड़ता होगा ऊपर इमेजिन करो बताया था एटलस के पास जुड़ने का स्ट्रक्चर है ये किससे जुड़ते होंगे किडनी की तरह दिखाई दे रहे हैं ये जुड़ते हैं आपके कॉन्डाइल से तो ऊपर ऑक्सीबिटल में कॉन्डाइल्स थे घंटी की तरह वो आकर किसमें जुड़ जाते हैं इस सी में आकर जुड़ जाते हैं जुड़ गए जी हां जी वेरी गुड कौन सा ये आंसर दे रहे मैं समझ रही हूं प्रवीण निश्चिता जैबा एब्सोल्यूटली वेरी गुड चलिए तो सी वन के पास खास बात क्या है सी वन के पास खास बात है इट हैज आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हाँ जी सी वन के पास एक और खास बात भी है हाँ जी एक बार चलो पहले सी टू देख लो फिर बताती हूँ ये मेरा सी है हाँ जी ये क्या है मेरा सी टू को क्या नाम दिया है एक्सेस तो सी एटलस C2 एक्सेस C1 वन एटल सी एक्सेस अब अगर तुम C2 को ध्यान से देखोगे ये ऊपर को कुछ निकला हुआ है Can you see? ऐसे ऊपर को मतलब समथिंग इज प्रोट्रूडिंग जो ऊपर से C1 के सर्कल में जा रहा है C1 के पास खाली जगह और C2 में कुछ ऐसा निकला हुआ है दिख रहा है इस तरीके से C1 के पास ऐसे खाली जगह C2 में से कुछ ऐसा निकला हुआ है दिख रहा है बुद्धा की तरह हाँ ऐसा कुछ निकला हुआ है यहां पर बेटा आपका जॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं वेरी है, गुड है। है? मेरे बच्चों वेरी गुड सो दिस इज खास बात अबाउट सी टू सी वन सी टू हो गया बाकी सी थ्री सी फोर सी फाइव सी टिपिकल से वर्टी ब्राइ इसमें कुछ खास नहीं है खास बात किसमें आती है अगर तुम ध्यान दोगे तो C7 का ये बहुत प्रोमिनेंट निकला हुआ है स्पाइनस प्रोसेस कैन यू सी द प्रोसेस इसका ये जो डंडा है बड़ा है बाकियों का छोटा है C7 का बड़ा है अब ये आप अपनी बॉडी में खुद फील कर सकते हो यहां पर जो पोजीशन है दिस वन सब बच्चे यहां टच करके देखें इस जगह पर हियर इज द प्रोसेस ऑफ C7 जो यहां पर आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आप खुद टच करके देखिए यार लोअर नेक uh, में कुछ ऐसा यू नो हार्ड सा पता चलता है दैट इज योर सी सेवन का प्रोसेस सी सेवन का प्रोसेस पता चल गया यस yes, मेरे बच्चों बताएं हां जी कम ऑन बता दो पता चल चुका है अक्रोम प्रोसेस नहीं है बच्चों सी सेवन का प्रोसेस है एक्रोमिन प्रोसेस इसके पास नहीं आएगा वो स्कैपुला के पास आएगा अभी मैंने स्कैपुला नहीं डिस्कस किया है स्कैपुला तो कहीं आया ही नहीं है बच्चों हाँ जी यस yes, प्रोमिनेंस निकली हुई है यस स्पाइनस प्रोसेस <coughs> चलिए तो ये बात हो गई टोटल सेवन हमारे सर्वाइकल की यूजुअली सेवन होते हैं बट देर आर सम आल्सो सम्लोथ में नौ होते हैं सीकाओ में पांच होते हैं तो सर्वाइकल बटिब्रा यूजुअली सेवन इन मैमल्स बट सीकाओ हैज फाइव स्लॉथ हैज नाइन एनीवे आगे बढ़ते हैं तो ये बात होगी सर्वाइकल की सर्वाइकल के आगे आते हैं थ्रासिक टोटल मेरे पास बारह थ्रासिक here, this one, this, this one. है स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर दिस वन दिस दिस वन देख रहे सो ये मेरा फर्स्ट थ्रासिक टी वन

ये सॉरी ट्वेल्थ थोरासिक ये जो ट्वेल्थ थोरासिक है इनका बारह नंबर इसीलिए है क्योंकि आपके रिब्स भी बारह पेयर हैं तो सारे के सारे पीछे जाके से जुड़ जाते हैं तो अगर किसके साथ जुड़ेंगे आपके थोरासिक से जुड़ रहे हैं देखो अगेन टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स सोन टिल हो गया पहले हमने सर्वाइकल किया अब थोरासिक कर लिया के बाद आ जाइए, से, से ठीक है, 1, L2, L3, L4, L5. Total होते हैं, ये देखिए, अगर तुम ध्यान देखोगे ना लंबार सबसे मोटा है लोअर बैक में प्रेजेंट है एंड इट इज दटिब्रा सबसे स्ट्रॉग वाला कौन सा है? आपका लंबर ये सब लिखा हुआ है डोंट वरी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा आपका लंबर अब लंबर के नीचे आ जाइए ये जो आपको एक सा दिखाई दे रहा है बट वो एक सा एक्चुअली में है नहीं था नहीं मतलब ये थी बट लेटर ऑन दे गॉट फ्यूज एंड कहला गया एक, एक बन गया सेक्रम ठीक है वैसे पांच थी फ्यूज होकर सिंगल बन गई दैट इज कॉल्ड एज सेक्रम ठीक है सेक्रम सेक्रम के नीचे जाइए सेक्रम के नीचे देखिए ये दिस वन दिस इज कॉल्ड एज ये टोटल कितनी थी चार थी अलग अलग देखोगे तो चार है बट फ्यूज होके इन्होंने भी सिंगल बना लिया जिसको हम बोलते हैं कोकेजियल बोन्स थी अलग अलग थी बट लेटर ऑन दे गॉट फ्यूज बच्चों में फ्यूज नहीं होती है बच्चों में सेक्रल भी फ्यूज नहीं होती है लेटर ऑन जैसे जैसे बड़े होते हैं फ्यूजन होता है एंड अब ये कहलाती है सिंगल कॉक और ये कहलाता है सिंगल सेक्रम तो अब हम लिखने वाले हैं पूरे का वर्टिब्रल फॉर्मूला आर यू रेडी फॉर वर्टिब्रल फॉर्मूला बच्चों जी आर यू रेडी फॉर वर्टिब्रल फॉर्मूला हां जी हां जी दोनों अलग हैं अब पता चला है जिंदगी में कि क्या ये दोनों अलग हैं? Yes, मेरे बच्चों ये दोनों अलग हैं लेट मी मूव ऑन टू पेज ओके हां जी, लिखना शुरू करें वॉट कॉलम कितने तरीके के वोटिप्रा देखा एक हमने देखा सी दैट इज सर्वाइकल सर्वाइकल के बाद आया थोरासिक थोरासिक के बाद आया लंबार लंबार के बाद आया सेक्रल एंड लास्ट में कौन सा आया कोकेजियल कितने सर्वाइकल देखे सेवन कितने देखे ट्वेल्व कितने लंबार देखे पांच सेक्रल कितने देखे पांच लेकिन फ्यूज तो फ्यूज को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया वी विल काउंट इट एज वन कोकेज मैंने कितने देखे चार लेकिन देखे फ्यूज तो फ्यूज को वी विल काउंट इट एज वन अरे दिख नहीं रहा रुको अब दिख गया दिख गया दिख गया अब बताओ अब बताइए अब दिख गया यही लिखा था कोई ज्यादा वो नहीं लिखा था दिस इज कॉल्ड एज द वोटिब्रल फॉर्मूला फॉर एडल्ट ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये क्या है बेटा जी वोटिब्रल फॉर्मूला है किसका है एडल्ट का है सर्वाइकल सेवन थ्रेसिक ट्वेल्व लंबा फाइव सेक्रल फाइव फ्यूज कुकील फोर एंड फ्यूज दिस इज आर वोटिब्रल फॉरमूला ठीक है वोटिब्रल फॉर्मूला दिख रहा है <laughs> तो अगर टोटल बोन्स मैं यहां पर देखूंगी तो कितनी बन जाएंगी ट्वेंटी सिक्स बन जाएंगी ट्वेंटी है इसको भी वन काउंट किया अगर ब्रैकेट लग गया है इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो टोटल आपका कितना बन जाएगा छब्बीस बन जाएगा तो वोटिप्रल कॉलम ऑफ एडल्ट में कितनी है छब्बीस आपके पास बोन्स है लेकिन अगर बच्चों में बात करें बच्चों में बेटा इसकी बात करें तो उनमें होता है सी सेवन टी ट्वेल्व एल फाइव एस फाइव फ्यूज नहीं होती है सीओ फोर तो उनमें टोटल बोन्स कितनी बन थर्टी थ्री बन जाएंगी कितनी बन जाएंगी सो दिस दिस यू यू सी सी इन इन केस 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 ऑफ ऑफ एंड चिल्ड्रन ठीक है ये आपको कहा मिलता है चिल्ड्रन में मिलता है अब आपने ध्यान दिया आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है बिल्कुल सीधी नहीं है इट इज एक्चुअली कर्व दिख रहा है इस तरीके से कर्व होती है ये जो पहला कर्व आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कर्व इसको हम क्या बोलते हैं सर्वाइकल कर्व बोलते हैं तीन महीने की एज से जब बच्चा यू नो मूव करना शुरू करेगा उस उस टाइम पे बनता है ये जो सेकंड कर्व आप देखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं थोरासिक कर्व क्या बोलते हैं थोरासिक कर्व ये प्राइमरी कर्व है शुरू से प्रेजेंट होता है ये जो आप यहां पर कर्व देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज लंबार कर्व तीसरा दिस इज कॉल्ड एज लंबार कर्व ये जब बच्चा बैठना शुरू करता है छह महीने के बाद तब बनना शुरू होता है एंड जो लास्ट कर्व देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक कर्व इनमें से बेटा दो कर्व तो बचपन से ही प्रस्तुत होते हैं कौन से वाले होते हैं एक तो आपका ये थ्रासिक वाला दिस इज प्राइमरी एक मिनट में इसको इसको चलो सो दिस वन इज प्राइमरी कर्व दिस वन इज प्राइमरी प्राइमरी मतलब जो बचपन से प्रेजेंट है ये जो सर्वाइकल कर्व है जब बच्चा इधर उधर देखना शुरू करेगा तब बनेगा यानी कि बाद में बन रहा है सेकेंडरी कर्व लंबर कर्व जब बच्चा बैठना शुरू करेगा तब बनेगा दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी को, तो टोटल चार कव हो गए दो प्राइमरी एंड दो सेकेंडरी प्राइमरी मतलब बचपन से प्रस्तुत सेकेंडरी मतलब बाद में बन रहे हैं ठीक है चलिए तो ये बात हो गई वर्टीब्रल कॉलम की वर्टीब्रल कॉलम में तीन चीजें आपको याद रखनी है सर्वाइकल में C1 वन इज एटलस एटलस की दो खास बात पहला इट आर्टिकुलेटिंग सर्फेस फॉर कॉन्डाइल सेकेंड इट आर्टिकुलेटिंग सर्फेस फॉर एक्सिस ऑल्सो ठीक है C2 टू इज कॉल्ड एज एक्सेसिस एंड सी सेवन हैज अ प्रोमिनेंस जो हमें फील भी होती है ठीक है अगर कोई पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा बताइए तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट में किसका नाम लिख देंगे लंबार का नाम लिख देंगे अगर कोई बोले रिब्स किससे अटैच होते हैं तो तुम बोलो कि रिब्स अटैच होते हैं मेरे थरासिक से किससे अटैच करोगे थरासिक से ओके चलिए टेल बोन किससे बनती है सेक्रेड एंड कोकेचियर यस दैट्स इट विद वर्टिब्रल कॉलम अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे क्या प्रेजेंट है यस yes. दिखा दू फ्रंट <coughs> साइड पे क्या प्रेजेंट है यस yes, मेरे बच्चों चलिए तीन चीजें देखेंगे अब एक साथ लेट मी ओपन जी मेरे बच्चों मतलब ventral side. वो क्या थी Dorsal side. अब ventral side पे ध्यान दो सबसे पहले ये जो center में तुम्हें bone दिखाई दे रही है चेंज yes, हो रहा है बेटा इस पूरी बोन का दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेस्ट बोन एंड द ब्रेस्ट बोन इज स्टर्नम क्या नाम रखोगे इसका स्टर्नम डैगर शेप्ड बोन है क्या है डागर शेप्ड यहां पर प्रेजेंट है डागर बोन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज स्टर्नम स्टर्नम के भी बेटा जी आगे पार्ट हैं ठीक है ऊपर <coughs> वाला जो हिस्सा तुम्हें तो दिखाई दे रहा है प्रोस्टर्नम दिस वन इज मीजोस्टर एंड दिस वन इज कॉल्ड एज जिफोइड प्रोसेस प्रोस्टर्नम मेरे साथ साथ सुनो मीजोस्टर जिफोइड प्रोसेस

इसका एक हिस्सा बेटा जुड़ता है आपकी क्लाविकल से भी किससे जुड़ता है क्लाविकल से बट ये यहाँ पर आपका फर्स्ट रिब भी अटैच्ड है फर्स्ट रिब भी अटैच्ड है अब इस स्टर्नम के साथ बेटा लाइन से रिब जुड़े हुए हैं रिब नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जाते जाओ सेवन एट नाइन एंड टेन दिख रहे हैं दस रिप्स मैंने यहां पर बता दिए वन यस टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जरा आप जरा सेवन रिब तक देखिए सेवेंथ रिब तक की कहानी क्या है कि रिब्स जो हैं वो आगे वाली साइड से स्टर्नम से जुड़े हैं और बैक साइड से किससे जुड़े हैं थोरैसिक से जुड़े, जुड़े हैं ठीक है फर्स्ट सेवन रिब्स को सिर्फ ध्यान से देखो फ्रंट साइड से दे आर विद स्टर्नम बैक साइड से दे आर ज्वाइंट विद इन को one to seven को हम लोग बोलते हैं हैं. हैं हैं, हैं. बोल सकते से 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 भी जुड़े 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 पीछे, आगे sternum से जुड़े sternum से जुड़े आगे ठीक है? देखिए दोबारा देखो eight, ninth, tenth. ये बैक साइड से तो जुड़े हुए हैं थोरासिक वर्टिब्रल कॉलम से पीछे तो जुड़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है पीछे जुड़े हुए हैं लेकिन फ्रंट साइड से स्टर्नम तक डायरेक्टली नहीं पहुंच रहे ये क्या कर रहे हैं एट्थ नाइन्थ टेंथ ये सेवेंथ के कार्टिलेज से जुड़ गए हैं जाकर सेवेंथ के कार्टिलेज से जाकर जुड़ गए हैं वन टू सेवंथ स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स एट नाइन टेंथ पीछे तो वर्टिब्रल है लेकिन आगे सेवेंथ के कार्टिलेज से जुड़ गए इसीलिए इनको बोलते हैं वोटिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स वो बैक साइड कॉन्ट्रल आगे कार्टिलेज से जुड़ गए अब बात आती है ये बैठे मेरे इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ कैन यू सी इलेवेंथ ट्वेल्थ इलेवेंथ ट्वेल्थ ये बेचारा आगे किसी से जुड़ ही नहीं रहा ये देखो अकेला प्रेजेंट है इलेवेंथ ट्वेल्थ आगे कोई ज्वाइनिंग नहीं है बैक साइड से बस जुड़े हुए हैं दीज आर कॉल्ड एज सिंपली वर्टिब्रल रिप्स क्या बोलोगे वर्टिब्रल रिप्स तो इसमें से कुछ रिप्स में डाल दूंगी ट्रू रिप्स के खाते में ट्रू मतलब जो दोनों साइड से जुड़ रहा है वन टू सेवेंथ का पेयर बाकी के रिप्स में डाल दूंगी फॉल्स रिप्स में फॉल्स रिप्स में थ्री पेयर आ जाएंगे एट नाइन टेंथ का आ जाएगा वर्टिब्रो कॉन्ड्रल एंड इलेवेंथ ट्वेल्थ का पेयर आ जाएगा वर्टिब्रल रिप्स इट पेयर्ड फॉर्म में है, ये देखो वन वन की कॉपी टू टू का पेयर थ्री थ्री का पेयर क्लियर चलिए तो आ जाओ रिब्स हो गए रेब्स रेब्स हो हो गए हो गए हाँ जी ये <coughs> देखिए रिप्स मेरे पास कितने हैं टोटल 24 24 को मैं 12 पेयर भी लिख सकती हूं मैंने कितने में डिवाइड किए ट्रू एंड फॉल्स ठीक है ट्रू रिप्स कौन से वॉट इोज टर्नल वन टू सेवेंथ पेयर इज कॉल्ड एज द दो कैटेगरीज में डिवाइड किया एंड कॉन्ट्रल एंड्रल वीट्रल कौन से जुड़े हैं और मेरे पास से नहीं जुड़े हैं वो क्या है इलेवंथ एंड ट्वेल्थ अभी इलेवंथ एंड ट्वेल्थ प्रेजेंट क्यों है आगे तो बिल्कुल ऐसे फ्रीली प्रेजेंट है किडनी एंड इनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं ओके जी क्या बोलोगे इसको फ्लोटिंग रिब्स भी बोलोगे हां जी क्लियर हो गया मेरे बच्चों अगर मैं आपको इसका एनसीआरटी दिखाना चाहूँ ये है एक्चुअल में ये मैंने सारा करा दिया ये भी करा दिया ये हमने कर लिया है ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम हमने कर लिया है ये स्टर्नम एक फ्लैट बोन है वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरेक्स में प्रेजेंट है एक एक वर्ड पे बेटा फोकस करना है वेंट्रल साइड पे है मिडल में प्रेजेंट है ठीक है देन कितने पेयर ऑफ रिब्स हैं बारह पेयर ऑफ रिब्स हैं अब बहुत अच्छी बात इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिब्स की। रिब्स जो है मैंने आपको बोला ध्यान देना बहुत ध्यान से फ्रंट <coughs> साइड से भी अटैच है किसी ना किसी चीज से बैक साइड से भी फ्रंट से अगर मैं देखूंगी दे आर अटैच टू स्टर्नम है ना तो एक साइड से मान लीजिए इनके पास है स्टर्नल एक्सट्रीमिटी एक्सट्रीमिटी है ना कैसे जुड़े हैं कॉन्ड्राल कार्टिलेज कार्टिलेज यहां पर डाल देती हूँ कार्टिलेज से जुड़े बैक साइड से बेटा जी अगर मैं यहां पर ध्यान फोकस करना बेटा बैक साइड पे दे आर नो डाउट अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम बट दे हैव टू आर्टिकुलेटिंग पॉइंट्स पीछे की साइड पर जुड़ने के लिए इनके पास दो आर्टिकुलेटिंग पॉइंट्स है मैंने पिंक कलर से दिखाया है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल एक्सट्रीमिटी वर्टिब्रल एक्सट्रीमिटी Rips आपके फ्रंट साइड पे तो स्टर्नम से जुड़े हैं पीछे की साइड पे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हैं फ्रंट साइड पे स्टर्नम से जुड़ने के लिए एक ही पॉइंट है लेकिन अगर बैक साइड पे देखे तो दो पॉइंट पर आर्टिकुलेशन आता है सिंस दो पॉइंट पर आर्टिकुलेशन आता है दैट इज व्हाई रिब्स आर कॉल्ड एज इन नेचर क्या बोलोगे रिब्स को से बाइसिफेलिक क्यों क्योंकि जो इसका हेड वाला पोर्शन है जो पीछे स्टर्नम से पीछे वर्टिप्रल कॉलम से जुड़ रहा है वहां पर दो पॉइंट पे जाकर अड़ रहा है मतलब कुछ गेट नहीं होते जिनकी ऐसी कुंडी होती है कि दो जगह पर लग रही है दो कुंडियां लग रही हैं तो इसकी बैक साइड पर दो कुंडी लग रही है इसीलिए बाई सिफेलिक रिब्स है ठीक है।, है बाई सिलिक रिप्स है समझ आ गया क्यों है बाई सिपेलिक ओके यस तो ये सबके बारे में हमने बात कर ली है ओके

नो शंका सब क्लियर चलो आ जाओ गर्डल्स और लिम्स uh, में एक साथ समझाऊंगी उसके बाद हम एनसीआरटी से देख लेंगे इसको सेशन लाइक like नहीं हुआ मैं देख रही हूं हाँ लेट मी शो यू अपर लिम करते हैं पहले और उसके बाद लोअर लिम करेंगे एंड देन हम गर्डल्स कर लेंगे यस yes. लेफ्ट से शुरू करते हैं सब बच्चे अपनी बाजू सीधी कर लो हाँ जी फिर खत्म हो जाएगा अपनी भी करके रखिए यहां पर भी दिखेगा यहां पर भी दिखेगा यहां से शुरू करते हैं फोर आर्म से फोर आर्म ले आए सब बच्चे चलिए सो दिस इज द फोर आर्म पहली जो बोन मैं आपको दिखा रही हूँ इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस पिंक कलर की दिख रही है यस दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमरस सब बच्चे बोले ये क्या है आपकी ह्यूमरस ह्यूमरस से आ जाइए नीचे आपकी लोअर आर्म पे यस yes. यहाँ पर आपके पास दो बोन्स प्रेजेंट है दिख रही है एक ये और एक ये वाली दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन इनको हम लोग बोलते हैं रेडियस एंड अल्ना कैसे पता चलेगा कौन सी रेडियस कौन सी अलना जो बोन आपकी लिटिल फिंगर की साइड पे जा रही है अलना जो बोन आपके रेडियस वाली साइड पे जा रही है दैट इज रेडियस समझो सब बच्चे ऐसे रख लो जो यहां पर देखो दो हड्डियां जो हड्डी लिटिल फिंगर के साइड पे जा रही है दिस इज माय अलना ये मेरी अलना है जो मेरी हड्डी मेरी थंब की तरफ जा रही है दिस इज रेडियस ओके रेडियस अलना एंड ह्यूमरस ओके आ जाइए अब आपकी अच्छी अच्छी कलाइयों पे दिख रही हैं कलाइयां जहां पर हम लोग घड़ी बांधते हैं घड़ी बांधते हैं यहाँ पर मेरे पास टोटल एट बोन्स है पहले के टाइम पे सबके नाम भी याद कराए जाते थे आपकी सिर्फ आ आप आ आ गई कैपिटेट आ गई कैपिटेट ल्यूनेट गई पहले के नाम पे याद भी करते थे नाम अब याद नहीं करने सिंपल एनसीआरटी बेस्ड रहना है टोटल यहाँ पर आठ बोन्स है इन बोन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कार्पल्स क्या बोलोगे कार्पल्स तो ये बात होगी मेरी कलाई की बोन्स की दैट इज कार्पल अब आ जाइए मेरे हाथ पे ये पाम एरिया एरिया में टोटल पांच बोन्स है one, two, three, four, सब बच्चे इसके हाथ पे भी देखते जाएं अगेन वन टू थ्री फोर फाइव इनको बोलते हैं हम लोग मेटाकार्पल सो यहाँ पर जो पांच बोन्स है मेटाकार्पल अब जरा फिंगर्स पे आ जाओ फिंगर्स पे आ जाओ फिंगर्स पे जो मेरे पास बोन्स है दे आर कॉल्ड एज द फैलेंजेस ज्वाइंट्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर बीच बीच में तो तुम खुद निकाल पाओगे कि मेरे पास फैलेंजेस कितने कितने हैं ये देखो थम में दो हैं एक दो यहाँ पर तीन दिख रहे हैं तीन खाने दिख रहे हैं यस तीन 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 टू थ्री 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 ठीक है टू थ्री 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 यस यहाँ पर देख लो थम में टू है यस फैलेंज यहाँ पर कितने हैं थ्री थ्री अगेन वन टू थ्री वन टू थ्री

सबका सम करोगे आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा थर्टी <coughs> कितना आ जाएगा थर्टी करके देख लें थर्टी आएगा बेटा कितना भी कर लो आंसर थर्टी आएगा वन प्लस वन प्लस वन प्लस एट प्लस फाइव प्लस फोर्टीन दैट इज इक्वल टू थर्टी तो ये बात होगी मेरे अपर लिम्प की अपर लिम क्लियर हो गया सबको ये सब मैं अभी लिखवा भी दूंगी डोंट वरी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अब मैं आपको दिखाती हूँ लोअर लिम्प जस्ट अ सेकेंड लोअर hmm. लोअर देख लीजे. आगे <coughs> आ रहा है सबका हाँ जी लोअर लिम देख लो शुरू करते हैं बेटा thigh bone से फीमर ठीक है सबसे पहले आपकी फीमर फिर आपका घुटना आ जाता है घुटने के ऊपर बेटा जी बोन प्रेजेंट है नी कैप जिसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज पटेला ये पिंक कलर का दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज पटेला याद करो पटेला ऊपर आपके हाथों में कोई एल्बो का कवर नहीं था लेकिन घुटनों पे नी का कवर है ओके यहाँ पर कोई एल्बो का कवर नहीं था तो ये हो गया आपका पटेला नीचे आ जाइए लोअर लेग पर लोअर लेग में आपके पास दो बोन्स है ये जो आप देख रहे हैं दिस वन जो पहाड़ की साइड पर है देखो ये इसकी छोटी उंगली है इसके पैर की ध्यान देना हाँ जी ये पैर का अंगूठा है और ये अंदर वाली छोटी उंगली है ठीक है लिटिल टो जो बोन आपकी अंगूठे वाली साइड पे है दिस वन इज कॉल्ड लेस टिबिया तो आप लोग फर्क समझ पाएंगे अपने लेग्स को टच करो बेटा जो बोन आपकी अंदर नी वाली साइड पे दिस इज टिबिया और जो बाहर वाली साइड पे है फिबुला मैंने कैसे याद किया हो फिबुला ला 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 लैटरल लैटरल मतलब बाहर का है ना बाहर का साइड टिबिया मीडियन है फिबुला लैटरल है बाहर की साइड पे है तो ये मेरी कौन सी है फिबुला लिटल फिंगर वाली साइड और अंदर अंगूठे टिबिया। टिबिया ये। ये क्या बोलते हैं टारसल जैसे ऊपर कार्पल था नीचे टार्सल है ये आठ थी ये कितने सेवन टोटल वी हैव हाँ, सेवन टार्सल जिसमें ये मेरी हील बोन है जिसको हम कैलकेनियम बोलते हैं ठीक है हील वाली है ये हील है ना आपकी चलिए ये सब क्या है आपके टार्सल्स एक कम क्यों है क्योंकि एक हमने पटेला को दे दिया ना चलिए अब पैर पे आ जाइए पैर पे आएंगे तो ये हो जाएंगे मेटाटार्सल पांच मेटाटार्सल नंबर वन टू थ्री फोर एंड फाइव देन आपके टोज की फैलेंजेस डिजिट्स थंब में कितनी है टू देन आपके टोज में छोटी छोटी कितनी है थ्री 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 इसका भी फैलेंजर फॉर्मूला क्या है टू कॉमा थ्री कॉमा थ्री कॉमा थ्री टोटल नंबर देख लो टोटल नंबर देख लो वन फीमर वन पटेला पटेला इज द न्यू एंट्री ओवर हेयर जो ऊपर यहां नहीं था वन फीमर वन पटेला वन टिबिया वन फिबुला चार तो ऐसे हो गए प्लस सेवन मेटा मेटाटार्सल एंड फोर्टीन फैलेंजेस टोटल विल अगेन कम आउट टू बी थर्टी सबका टोटल कितना आएगा तीस आएगा करके देख लेना ये मैंने लिखा हुआ डोंट वरी हां जी अब चलते हैं हम लोग गर्डल्स पे एंड समाप्त करते हैं इस सिस्टम को गर्डल्स पे आ जाइए, ओके okay, रुको पहले मैं आपको शोल्डर का गर्डल दिखाऊंगी कौन सा दिखाऊंगी शोल्डर का गर्डल यस yes. <coughs> दिखा दू शोल्डर गर्डल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेक्टोरल गर्डल क्या बोलोगे इसको तुम पेक्टोरल गर्डल बोलोगे आ जाओ सब बच्चे मेरे साथ है इस समय हां जी गर्डल्स में आ जाओ पेक्टोरल गर्डल ये मेरा पेक्टोरल गर्डल है आ जाइए जिसमें मेरे पास स्कैपुला और क्लाविकल नाम की बोन है स्कैपुला इज अ ट्राइंगुलर बोन ये जो आपको दिख रहा है पिंक कलर का दिस इज कॉल्ड एज स्कैपुला। ये ऊपर से तुमने देखा ये तुम्हारी कॉलर बोन दिस इज कॉल्ड एज क्लैविकल कैन यू सी ये देखो स्कैपुला क्लाविकल इधर वाली भी ना ऐसा टाइप बन जाता है इसीलिए इनको बोलते हैं तो में जरा ध्यान दीजिए ये एक बोन है जो लोग जिम, जिम में बॉडी बनाते हैं ना वो जब ऐसे ऐसे करते हैं तो पीछे से उनका ही दिखता भी है ऐसे ट्राइंगल से बाहर आता हुआ दिस इज कॉल्ड एज स्कैपुला स्कैपुला के पास अगर आप ध्यान देखेंगे दो जगह जुड़ने की जगह है एक तो आपका स्कैपुला ह्यूमरस से जुड़ा है ये देखिए स्कैपुला का एक पोर्शन ह्यूमरस से जुड़ा है स्कैपुला के पास ना एक कैविटी सी प्रेजेंट होती है जो ह्यूमरस से जोड़ती है इस कैविटी को कप शेप्ड कैविटी को हम लोग बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी क्या बोलोगे इसको ग्लिनोइड कैविटी ये जो ग्लिनोइड कैविटी है इससे ये ह्यूमरस से जाकर जुड़ा है एक चीज याद हो गई ये डायग्राम बना हुआ डोंट वरी ऊपर की साइड पर आ जाइए दिस प्रोसेस ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस ये प्रोसेस कैप्यूला को क्लाविकल से जोड़ता है दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस कैन यू सी This is called as process. आगे की तरफ ये इसको क्लाविकल से जोड़ता है क्लाविकल बेटा कॉलर बोन है इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है यहाँ पर आप टच भी कर सकते हो दिख गया ये मेरा हो गया आपका अपर गर्डल शोल्डर गर्डल पेक्टोरल गर्डल जो लेफ्ट में है वही राइट right में होगा सेम चीज प्रेजेंट होगी अब चलते हैं नीचे वाले गर्डल पे है ना नीचे वाले गर्डल पे डोंट वरी सब कुछ लिखा हुआ है ओके लेट मी शो यू जी ओके मूविंग ऑन टू हिप गर्डल हिप गर्डल इज मेड अप ऑफ टू बोन्स इन टोटल जैसे पेक्टोरल गर्डल में तो चार बोन्स थी scapula एक साइड एक साइड टोटल चार हो गया हिप गर्डल में देखिए दो ही बोन्स होते हैं एक हिप बोन दूसरे हिप बोन लेकिन अगर वन हिप बोन को मैं देखूंगी इट इज फर्दर मेड अप ऑफ थ्री बोन्स है दो ही एक ये लेफ्ट वाली है मेरी और एक राइट right वाली है तो आप दो ही काउंट करोगे जस्ट अ सेकेंड हैंग हो गया थोड़ा सा हो रहा हो रहा इट इज लोडिंग गोल गोल घूम रहा है <coughs> अभी रुकते हैं दो मिनट और बताओ बेटा क्या कर रहे हो दिवाली पटाखे तो नहीं चला रहे हो ना है पटाखा चलाओगे तो पोल्यूशन होगा पोल्यूशन होगा ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ऑलरेडी आप देख रहे हैं चेंबर्स बन चुके हैं बिग बिग सिटीज में दिवाली मनानी है तो उसकी स्पिरिट में मनाइए लाइट्स लेकर आइए दिए जलाइए लेकिन पोल्यूशन किसी एंड से अपने एंड से मत करिए तो पटाखे वाली दिवाली नहीं इस बार ग्रीन दिवाली मनाइए सिर्फ लाइट्स वाली दिवाली मनाइए है।, है ना यस इट इज लोडिंग एक्चुअली गोल 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 घूम रहा है <coughs> तब तक मैं आपको वहां से बता देती हूं हो जाएगा थोड़ी देर में ओके मेरे बच्चों ये क्लियर हो गया हां जी सारे रिब्स हमने कर लिए हैं अब आ जाइए इस पे ओके यस स्कैपुला की अगर मैं बात करूं स्कैपुला के पास क्या प्रेजेंट है यहां पर ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट है ये ग्लेनॉइड कैविटी स्कैपुला को किससे जोड़ती है ह्यूमरस से जोड़ती है किससे जोड़ती है ह्यूमरस से जोड़ती है पीछे की साइड पर देखेंगे तो स्कैपुला के पास एक्रोमिन प्रोसेस भी है ये एक्रोमिन प्रोसेस स्कैपुला को किससे जोड़ता है Clavicle से जोड़ता है, है? है। ठीक ये हमने कर लिया है. अब आ जाइए वाले पार्ट पे. Lower वाले पे। में मैंने आपको बोला दो हिप बोन्स है आपके पास। This is one hip bone, दूसरी पे दूसरी हिप बोन होगी एक हिप बोन को बनाने के लिए तीन बोन्स लगती हैं कौन कौन सी इलियम इस्टियम एंड प्यूबिस कौन कौन सी इलियम स्टियम प्यूबिस तो एक साइड पे इलियम स्टियम प्यूबिस दूसरी साइड पे इलियम स्टियम प्यूबिस तीनों मिलकर एक कॉक्सा बनाती है वन कॉक्सा मीन्स वन हिप बोन ऐसा ही दूसरी साइड पर प्रेजेंट होगा दूसरा कॉक्सा इलियम प्यूबिस अब इसके लोअर पे देख लीजिए क्या प्रेजेंट है फीमर पटेला यानी कि कैप टिबिया फिबुला टार्सल कितने बताए थे सात टार्सल कितने बताए थे पांच फेलेंजिस कितने बताए थे चौदह अगर फेलेंजियल फॉर्मूला की बात करें अपर लेम्ब और दोनों लोअर लेम्ब का सेम है फॉर्मूला की बेटा अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सेम है क्या बताया था टू कॉमा थ्री कॉमा थ्री कॉमा थ्री यानी कि चौदह डिजिट प्रेजेंट है पैरों में भी और आपके हाथों में भी ठीक है हाथों में भी इट विद इट टोटल करके देखोगे एक फीमर होती है एक पटेला होती है एक टिबिया एक फेबूला प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस फोर्टीन दिस विल कम आउट टू बी थर्टी कितना है थर्टी अगर मैं अपर लिम भी करके देखूंगी एक ह्यूमरस है एक रेडियस है एक अल्ना है कार्पल आठ है मेटा कार्पल पांच है फलेंजेस अगेन चौदह है ठीक है कितनी है चौदह है इनका भी टोटल करके देखोगे कितना आएगा थर्टी तो थर्टी थर्टी सिक्सटी थर्टी थर्टी सिक्सटी 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 वन ट्वेंटी ठीक है 120 आपकी हो गई फिर चार ये स्कैपुला क्लाविकल स्कैपुला क्लाविकल 124 और नीचे दो कॉक्सा वन कॉक्सा टू हिब्बोन वन बोन टू वन ट्वेंटी टोटल वन ट्वेंटी सिक्स अपेंडिकलर्स केलेटन में डन ठीक है 126, 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन में डन एक बार देखो लोड हुआ कि नहीं लोड होने से मना कर रहा था हम्म हो गया बेटा हो गया मी शो यू लास्ट इज योर पेल्विक गर्डल हिप गर्डल जिसको बोलते हैं गर्डल वर्ड इज यूज फॉर बेसिन शेप ये बेसिन जैसी शेप नहीं देख रही गोल सी वॉश बेसिन जैसी जैसे वॉश बेसिन में गोल शेप होती है तो जब मैंने ऐसे देखा तो नहीं पता चला ऐसे देखा तो लगा शोल्डर को भी अगर देखोगे तो ऐसे राउंड सा लगेगा नीचे देखोगे तो भी राउंड सा दिख रहा है बेसिन जैसा सो so, इसमें दो कॉक्सा लेफ्ट और राइट इच कॉक्सा इज मेड अप ऑफ इलियम प्यूबिस तो ये जो आपको दिखाई दे रही है दिस इज इलियम ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है इलियम फिर हैंग हो गया यार ये बहुत हैंग हो रहा है गोल गोल घूम रहा है छोड़ दो यार जब तक ज्वाइंट कर लेंगे तब इसका नंबर आ जाएगा मुझे लग रहा है तब इसका नंबर आ जाएगा ये दिवाली मनाने गए यार

जहां पर तीन बोन्स जुड़ती हैं और जहां पर फीमर भी आकर जुड़ती है एसिटा बुल ठीक है चलिए याद रखना है ये कार्टिलेज अभी मैं बताती हूं बट यस टू हाफ गर्डल मीट्स वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक कंटेनिंग कार्टिलेज है ना अभी आएगा इसके बारे में मूविंग ऑन टू जॉइंट जॉइंट्स में आ जाएगा बेटा आपका प्यूबिक सिंफोसिस प्यूबिक इज अ टाइप ऑफ जॉइंट यस नजर लग गई मुझे लग रहा है हाँ अरे दिख नहीं रहा है मैंने अंडरलाइन कर दिया तुम्हें तो दिखा नहीं यस yes, देखो फटाफट से देख लो देख लो मैंने ये अंडरलाइन किया था दिख रहा है सबको हाँ जी अभी ठीक हो जाएगा जाते जाते ठीक हो जाएगा डोंट वरी मैं लिखवा के छोड़ूंगी ऐसे नहीं दिखा बिना दिखाए क्लास बंद नहीं होगी तुम तो इसके बारे में निश्चिंत रहो निश्चिंत रहो बेटा बिना दिखाए क्लास बंद नहीं होगी मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज ज्वाइंट्स हां जी जॉइंट्स के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट दैट इज इज ऑर्थ्रोस ऑर्थ्रोस वर्ड से आया स्टडी ऑफ ऑर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ बेटा जी क्या बोला जाता है ऑर्थ्रोलॉजी बोला जाता है तीन तरीके से बेटा मैं जॉइंट्स को डिवाइड करूंगी कुछ जॉइंट्स जो बिल्कुल मूव नहीं करते हैं कुछ जॉइंट जो थोड़ा बहुत मूव करते हैं कुछ फ्रीली मूव करते हैं सबसे पहले आते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स इमूवेबल ज्वाइंट फाइबर से बनते हैं इसीलिए इनको बोला जाता है फाइबरस ज्वाइंट आर ऑलसो कॉल्ड एज सिन आर्थ्रोसिस दिख रहा है हाँ टेगरी में आते हैं स्लाइटली मूवेबल थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे और इसको बोला जाता है एम्फी आर्थ्रोसिस एम्फी ऑर्थ्रोसिस तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं फ्रीली मूवेबल ये देखो ये देखिए ये देखिए फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट

ये क्या होता है इट इज अ अइंट बिटवीन टूथ एंड सॉकेट ये आपका दांत है मान लीजिए ये आपका दांत है ठीक है ये दांत इस तरीके से सॉकेट के बीच में प्रेजेंट है अब ये जो बीच का इनका हिस्सा है दिस इज फिल्ड विद द फाइबर ऐसा तो नहीं दांत हिलता रहता है नहीं जनरली दिस इज वेरी सॉलिड मूव नहीं करता है दांत आपका सो so, ये जो जॉइंट हो गया gomposis, ये भी इमूवेबल ज्वाइंट है इसको हम कैटेगरी में डालेंगे फाइबर जॉइंट की देन आ जाइए आप सेकेंड कैटेगरी में विच इज स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स जिनको हम कार्टिलेजनस ज्वाइंट बोलते हैं इसमें एग्जाम्पल पहली आ जाएगी इंटर वर्टिब्रल डिस्क मैं अभी आपको दिखाती हूं इंटर वर्टिब्रल डिस्क यानी कि दो वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है जिसकी वजह से आप थोड़ा थोड़ा मूव कर पा रहे हैं आपकी बैकबोन मूव करती है ना बिल्कुल फ्लेक्सिबल तो नहीं है कि एक उठ के इधर आ गया है? नहीं लिटिल बिट मूवमेंट दिस इज इंटर वर्टिब्रल डिस्क ठीक है नेक्स्ट आपके पास आता है प्यूबिक सिंफाइसिस

इसके बीच में कौन सा ज्वाइंट था कॉस्टल कार्टिलेज कॉस्टा इज फॉर रेब्स ओनली ठीक लास्ट कैटेगरी आपके पास आती है फ्रीली मूवेबल दिस इज कॉल्ड एज बहुत बढ़िया है अंकुश पांडे कह रहे हैं ये मैं जानती हूँ ये जो बच्चे आते हैं ना क्लास में कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्टर्स जो होते हैं वो अटेंशन ग्राबर्स है अटेंशन लेने आ रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं है क्या चल रहा है क्यों चल रहा है ओलंपियाड में पंद्रह दिन बचे हैं तो नीट के एग्जाम में कितने दिन बचे हैं बेटा इस चैनल का नाम क्या है इस चैनल का नाम मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ इस चैनल का नाम है अन अकेडमी नीट यहाँ पर किसकी तैयारी हो रही है नीट की अगर कोई और भी एग्जाम कर रहे हो सेम सिलेबस से है तो ओल्पियड में भी सेम होता है यहीं से हो रही है मुझे क्यों बता रहे हो पंद्रह को कोई लेना देना नहीं है बेटा अंकुश पांडे जी पंद्रह दिन बचे तो जाके पढ़िए यहां कॉपी पेस्ट करके समय मत बर्बाद कीजिए ये सोचिए नीट इज द बिगेस्ट एग्जाम उसमें आपके पास सिर्फ पांच महीने बचे हैं तब क्या होगा है ना तब क्या होगा अच्छा एक बात बताओ बेटा क्लास में आपने वो किया कि नहीं किया <laughs> एनरोल किया कि नहीं आई कैन सी योर एनरोलमेंट अब आई कैन सी योर एनरोलमेंट मैंने पिंक और ब्लू कलर से दो बोन्स दिखाई हैं, ठीक है इन दोनों बोन्स के बीच में यहां पर प्रेजेंट है सबसे पहली चीज आर्टिकुलर कार्टिलेज मैं व्हाइट कलर से दिखा रही हूं ठीक है दिस इज आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज ऑफ द टू बोन्स इनके बीच में बेटा यहां फ्लूड प्रेजेंट है इस फ्लूड को हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूड क्या बोलते हैं साइनोवियल फ्लूड ज क्रिएटेड बाई द मेंब्रिन साइनोवियल में जो ये येलो कलर से मेम्ब्रेन दिखाई है दिस इज साइनोवियल में साइनोवियल में ठीक है यहां पर ये जो फ्लूड है दिस इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूड क्या नाम है बेटा जी इस फ्लूड का इस फ्लूड का नाम है साइनोवियल फ्लूड यस लेटमी लेवल इट हेयर इसी साइनोवियल फ्लूड की वजह से ये जो ज्वाइंट है ये बनता है मूवेबल जॉइंट फ्रीली मूवेबल ये देखो फ्रीली मूवेबल फ्रीली मूवेबल आप अपने लेग्स को मूव करोगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट से देखिए फ्रीली मूवेबल क्यों क्योंकि यहाँ दो हड्डी के बीच में फ्लूड है जिसकी वजह से फ्री मूवमेंट हो सकती है बुढ़ापे में धीरे धीरे ये जो फ्लूड है ये कम होता जाता है जिसको बूढ़े लोग बोलते हैं ग्रीस खत्म होगी मेरे घुटनों में ये ग्रीस क्या है ये ग्रीस वही है बेटा साइनोवियल फ्लूड खत्म हो जाएगा अगर फ्लूड खत्म हुआ तो आपस में दो बोन्स डायरेक्ट टच करेंगी डायरेक्ट टच करेंगी तो रगड़ खाएंगी रगड़ खाएंगी तो दर्द होगा दर्द होगा तो वियर एंड एंटीयर होगा है ना तो इसके लिए प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए ये बीच में मैंने व्हाइट कलर से क्या बनाया आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज हाई कार्टिलेज होता है आपको एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है साइनोवियल ज्वाइंट की क्या क्या एग्जाम्पल है हां जी जो एग्जाम्पल एनसीआरटी ने दी है बस वही याद करो साइनोवियल ज्वाइंट इसमें फ्लूड है साइनोवियल कैविटी में

नीचे आपकी हिप्स में जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट काफी बॉल और सॉकेट के टाइप का मूवमेंट हो जाएगा बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल एंड योर फीमर एंड पेल्विक गर्डल नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट जैसे बेटा कब्जा जो दरवाजा कब्जा होता है ना हिंज की तरह एक ही साइड पे खुलता है ये देखिए कब्जा एक ही साइड पे खुल रहा है ऐसे मेरी एल्बो उधर तो नहीं जा रही है तो ये जो मेरा एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट है दिस इज गोइंग टू बी हिंज जॉइंट नी प्लस एल्बो एल्बो भी आ जाएगा इसमें अगली कैटेगरी आती है पेवेट जॉइंट पेविट जॉइंट वही नो no जॉइंट है सी टू और सी वन के बीच में सी वन के पास ऐसे खाली जगह है सी टू के पास ऐसे प्रोसेस है ये जो जॉइंट है जॉइंट क्या बोलोगे इसको पेवेट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस सी वन एंड सी टू देन बिटवीन कार्पल इन दोनों के बीच में छोटी छोटी बोन्स के बीच में अगला जॉइंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट एंड एक जॉइंट दस कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब बहुत इंपॉर्टेंट वाले यूज होता है ना गद्दी ऐसी बोला जाता है वहां से आया है सैडल ज्वाइंट इस टाइप का ज्वाइंट है ये साइनोवेल ज्वाइंट हो गए तो अगर कोई शोल्डर में पूछे ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में पूछे बॉल एंड सॉकेट ये पूछे या नी वाला पूछे

This is autoimmune disorder affecting neuromuscular junction, leading to fatigue, weakening, paralysis of skeletal muscle. हो oh, क्या रहा है इसमें ये देखिए समझिए ये आपका मसल uh, है ये देखिए मान लीजिए दिस इज सम मसल मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है कॉन्ट्रैक्ट होना है तो neuron आया मैसेज लेकर आया ठीक है न्यूरॉन मैसेज कैसे लेकर आएगा कोई ना कोई न्यूरो रिलीज करेगा तो यहां से न्यूरोन में से न्यूरो रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन अब एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है वो इसके ऊपर प्रेजेंट है मसल के ऊपर बिल्कुल सही बात है मसल के पास एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है ये जो मैंने गोल गोल बनाया रिसेप्टर है इस रिसेप्टर पर जाकर इस एसिटाइल कोलिन को बैठना था अगर ये इस पे बैठ जाता तो बात बन जाती मसल कॉन्ट्रैक्ट होता कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हुआ क्या ये इस पे बैठ नहीं पाया क्योंकि बॉडी के द्वारा बनाई गई ऑटो एंटीबॉडीज इस रिसेप्टर पर बैठ गई समझो ये बॉडी के इम्यून सिस्टम ने ऑटो एंटीबॉडी बनाई और वो यहां पर जम के बैठ गई सिग्नल आया सिग्नल ने एसीएच रिलीज किया अब ये ए जुड़ेगा जगह ही नहीं बची रिसेप्टर पर तो ऑटो एंटीबॉडीज बैठ गई अगर एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर पर नहीं बैठेगा मसल तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा तो आगे मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी धीरे धीरे पड़ी पड़ी, पड़ी डल हो जाएगी थकान होगी और आपका एट्रोफी इसकी होती जाएगी दिस इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर माइस्थेनिया ग्रेविस समझ गए कि जिस रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन ने जुड़ना था वहां ऑटो एंटीबॉडीज आके जुड़ गई ठीक चलिए तो ये बात होगी ग्रेविस की देन एमडी मस्कुलर मास्कुलर डिस्ट्रॉफिक जेनेटिक डिसऑर्डर है देखो सवाल क्या आता है सवाल आता है कि इनमें से कौन सा जेनेटिक है इनमें से कौन सा ऑटोइम्यून है ये ध्यान रखना है आपने एक एक वर्ड पे

क्लासिकल डांस की जो मुद्राएं होती है ना उस तरीके से आ जाते हैं एंड कोशिश करने पड़ भी रिलैक्स नहीं हो पाता दिस तो ना और आता है रियोमेटॉइड ऑर्थराइटिस एक और ऑर्थराइटिस होता है जिसको हम बोलते हैं रियोमेटॉइड ऑर्थराइटिस यस ध्यान दीजिए एक मिनट तारड़ गई हाँ जी मैंने बोला तीन तरीके का ऑर्थराइटिस है ऑर्थराइटिस क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन पहला आपका है ऑस्टियोऑर्थराइटिस लिखना था ओ हो ऑस्टियोपोरोसिस इज डिफरेंट वन यहां पर एक और बना देती हूं ऑस्टियोऑर्थराइटिस ठीक है तो तीन तरीके का ऑर्थराइटिस हो गया है

बताया था यूरिक एसिड बॉडी में कैसे बनता है बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन लिखू नहीं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूर बॉडी में प्यूर का मेटाबॉलिज्म होगा तो यूरिक एसिड बनेगा यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो जॉइंट्स में जाकर एक्यूमुलेट होगा इसको हम लोग बोलते हैं वेरी गुड ओम प्रकाश इसको हम लोग बोलते हैं गाउटी ऑर्थराइटिस या सिंपली गाउट बोल दिया इसको तीसरा मैंने आपको बताया रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसको बेटा हिंदी में गठिया बोला जाता है ऑटो इम्यून है ये ठीक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपकी बॉडी की ही ऑटो एंटीबॉडीज आकर जॉइंट्स में कर रही हैं। दिस इज ऑर्थराइटिस तो अभी तक मैंने इस पेज पर दो ऑटो इम्यून बता दिए पहला बताया माइस्थेनियटो इम्यून है और रिमिटॉइड ऑर्थराइटिस ऑटो इम्यून है ठीक है अगला आ जाता है मेरे पास ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियो माने बोन पोरोसिटी माने पोर्स आ रहे हैं ना

डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज दॉज ये इतनी ब्यूटिफुल लाइन क्यों है क्योंकि इस ब्यूटिफुल लाइन में से सवाल आ चुके हैं यस yes. इस ब्यूटीफुल लाइन में से पी वाई क्यू बन चुका है क्या बन चुका है पी वाई क्यू बन चुका है एक बात याद रखना फीमेल्स के बारे में बात करते हैं फीमेल्स को जनरली ना मेनोपॉज के बाद होता है समझो अगर मैं बात करूं फीमेल्स के दिख रहा है ये कलर ध्यान देना फीमेल्स में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी है मतलब बिफोर मेनोपॉज एस्ट्रोजन है एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है जब तक फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन रहेगा दिस एस्ट्रोजन विल एक्ट एज एंटागनिस्टिक टू पीटीएच पैराथॉयरॉयड हार्मोन पैराथॉयरॉयड हार्मोन इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं पीटीएच बोलते हैं ये जो पीटीएच है ना ये बड़ा खतरनाक हार्मोन है ये क्या करता है बोन्स को खोखला करता है लेकिन जब तक फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन है तब तक पीटीएच काम नहीं कर पाएगा पीटीएच काम नहीं करेगा मतलब फीमेल की बोन खोखली नहीं होंगी लेकिन जैसे ही फीमेल का आएगा मेनोपॉज जैसे ही बेटा फीमेल का आएगा मेनोपॉज तो ये जो एस्ट्रोजन नामक हॉर्मोन है ये अचानक से कम हो जाएगा अगर एस्ट्रोजन कम हो गया तो पीटीएच की तो बल्ले बल्ले पीटीएच की एंटोगनिस्ट्री खत्म हो गई पीटीएच बेटा भर भर के रिलीज होगा जब PTH बहुत ज़्यादा रिलीज होगा तो पीटीएच विल स्टार्ट डूइंग द ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी पीटीएच का काम ही है बोन्स को तोड़ना बोन्स को ईट कर लेना इसी वजह से फीमेल्स में जब एस्ट्रोजन कम होता है आफ्टर मेन तो फीमेल्स ना अचानक से घुटने उनके दर्द करने लगेंगे चलने में दिक्कत आएगी है ना तो फीमेल्स में ऑस्ट्रोपोर जनरली मेनोपॉज के बाद अचानक से हिट होती है क्योंकि ऑस्ट्रोपोर के लिए पीटीएच चाहिए पीटीएच फीमेल की बॉडी में दबा हुआ था क्योंकि एस्ट्रोजन था जैसे एस्ट्रोजन खत्म हुआ पीटीएच की दबावट खत्म हो गई उसने एक्ट करना शुरू कर दिया एंड दैट इज वाई इन फीमेल्स बात समझ आ गई चलिए सो विद दिस वी आर डन विद द द डिसऑर्डर्स एंड ऑल जॉइंट्स है ना यही लाइन लिखिए डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज द कॉमन कॉज फीमेल की बात हो रही है और एस्ट्रोजन कब कम होगा ये दिमाग लगाने वाली बात है पे हाँ जी ठीक है इम्बैलेंस इन कैल्सिटोनिन की वजह से भी ऑस्ट्रोप्रोसेस होता है इम्बैलेंस हो रहा है बेटा वैसे तो पीटीएच और कैल्सिटोनिन आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे बट अगर ये इम्बैलेंस हो जाएगा तभी तो ये बीमारी आएगी इट्स ड्यू टू हॉर्मोनल इम्बैलेंस ठीक समझ आया कि नहीं आया ये बताएं प्यूबिक सिम्फाइसिस दिखाना था कोशिश करते हैं कि वो हैंग उसका खत्म हुआ कि नहीं हुआ Let me try. <coughs> बताओ समझ आया कि नहीं आया मैंने पूरी कोशिश किया हर चीज आपको यहां पर दिखाते हुए हम्म बताओ समझ आया कि नहीं आया क्लास में एनरोल किए कि नहीं किए अब हम परसों मिलने वाले परसों इसका टेस्ट है पूरा चैप्टर हो चुका है मस्कुलर पहले करा दिया था स्केलेटल अभी करा दिया है ये रहा हां जी

एक कैविटी नामक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है एसिटाबुलम ठीक है और इसी एसिटाबुलम पे आगे जाकर आपकी फीमर जुड़ती है तो ये आपका पेल्विक गर्डल हमारा रह गया था वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है ओके अब आप बोलोगे मैम इलियम तो नाम सुना सुना है हाँ इलियम बेटा जी एक आपकी इंटेस्टाइन में भी है ज्योड़िनाम, ज्योड़िनाम, इलियम, बट वो इलियम कौन सा है आई एल एम है ये इलियम क्या है आई एल आई एम बहुत फोकस से देखना क्वेश्चन में क्वेश्चन में बेटा जी वो घोल कर देते हैं सिर्फ स्पेलिंग के साथ खेल जाएंगे ठीक है स्पेलिंग के साथ खेल जाएंगे बेटा जी अगर उन्होंने लिख दिया आई एल आई एम तो ये बोन है कॉक्सा का पार्ट है अगर उन्होंने लिख दिया आई एल ई एम तो ये इंटेस्टाइन का पार्ट है जस्ट लाइक रेनिन एंड रेनिन रेनिन विद डबल एन रेनिन विद सिंगल एन तो यहां पर आई होना चाहिए बोन के लिए ई e होना चाहिए इंटेस्टाइन के लिए ओके okay, मेरे बच्चों सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर अब हम मिलने वाले हैं कब अब हम मिलने वाले हैं परसों नया चैप्टर शुरू हो रहा है नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम को बहुत छोटा कर दिया गया है उसमें अब सिर्फ ब्रेन तक का हिस्सा इंक्लूडेड है वो चैप्टर हम वन शॉट में कर देंगे क्योंकि आई ईयर सब काट दिया तो हम उतना ही करते हैं अभी तक आई ईयर में अभी नहीं कराऊंगी बाद में जब क्लैरिटी आ जाएगी तब हम करेंगे अगर किसी को बहुत इच्छा है करने की तो मेरी लिंक ट्री से जाकर डेफिनेटली करें आपका कुछ भी मन करता है सम अदर चैप्टर सम अदर टॉपिक जस्ट गो टू माई लिंक ट्री सी पाउजा लिंक ट्री डालेंगे आपको गूगल पे डालना है कराऊंगी तो मंडे को नर्वस सिस्टम और अगले दिन सिस्टम में। और मंडे को शाम को बजे टेस्ट भी होने वाला है इस टेस्ट में एनरोल जरूर करना है बहुत अमेजिंग पेपर बेटा जी मैंने आपके लिए बनवाए हैं ठीक है, है? एनरोल कर लिया ओके एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन आज बहुत अच्छा लगा उन बच्चों को देखकर जो सच में इच्छा रखते हैं इच्छा शक्ति है नहीं क्रैक करना है उसके लिए जो बलिदान पॉसिबल होगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं समझ येस यू आर सीरियस एंड यस यू रियली वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन अल्टीमेटली मुझे बच्चों के नाम याद हो जाने चाहिए जो बच्चे रोज अटेंडेंस लगाते हैं ठीक है तो सेशन अच्छा लगाओ तो लाइक करना एंड मेरी तरफ से आपके परिवार को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम मिलेंगे परसों नर्वस सिस्टम से एंड देन एंडोक्राइन सिस्टम से तब तक एवरीवन टेक केयर डू वेल थिंक वेल एंड सेलिब्रेट अ ग्रीन नॉन पोल्यूटिंग दिवाली एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन योर विशेष योर रेजोल्यूशंस दिस दिवाली अपना रेजोल्यूशन जरूर लिख के जाइएगा थैंक यू सो मच बेटा जी बाय बाय ये भी बंद नहीं हो रहा कह रहा बंद नहीं होगा